acid in. तुम ठंड तो नहीं होती इस कारपेट पे? बस मैं तो मॉर्निंग में तो ऐसा
In the above story, Paramjit Singh youth doesn't have beard of helmet. इसने हेलमेट नहीं पहना. तो this is because the Indian state recognized that wearing a pagri. तो जो Indian state ने ने recognize की है कि इन्होंने क्या पहनी हुई है. Central to a six religious practice and in order not to interfere with this law and exception in the law. बोला कि ये law है, कानून नहीं. पगड़ी पहनेगा और helmet नहीं पहनेगा. Government इनको force नहीं करती कि you wear a helmet. Third way, which Indian secularism, this Indian, the Indian secularism है ना, that work to prevent the domination. तो क्या करता है? Work to prevent, काम बचाने का काम करता है किसको? Domination listed earlier in through a strategy of intervention. तो you read earlier in this chapter, जैसे तुमने पढ़ा है पहले इस chapter में about untouchability. So this is good example. ये अच्छा example है where member of the same religion, जो same religion के member है ना, upper caste और Hindu same religion के member है, dominate other member. और वो किसको dominate कर रहे हैं? दूसरे members को within it, अपने अंदर. तो in order to prevent this religion, तो वो इस order में अपने आप को प्रिवेंट कर रहे हैं रिलीजन के बेस पे, एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे ऑफ लोअर कास्ट. किसके बेस पे? लोअर कास्ट. उनको अपर कास्ट वाले क्या बोल रहे हैं? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन अनटचेबिलिटी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बैन किया हुआ है किसको? छुआछूत को. In this instances, is this instances में क्या हुआ? The state is intervening, जो state है, intervening है in religion in order to read, order to end the social practice. Social practices चल रही है ये कि जो upper caste को, जो upper caste वाले लोग हैं वो lower caste के लोगों को untouchability पे वो करेगा. देखो 2:30 बजे फिर 3:30 बजे बच्चे आएंगे, उनको टाइमिंग नहीं पता है इसलिए. तेरे को मैंने कल 2:30 बजे बोला था ना? हाँ, उदय बोल दिया था 2 बजे, इसलिए. तू खुद तो 2 बजे आया नहीं है? 1 बजे आया था वो खुद तो, और ये 1:30 बजे आया है. नहीं एक 1:10 पे आया था मैं. पढ़ाया था मानूंगी ना, 1:10 पे तो वो यहीं पे बैठा हुआ था. 1:20 पे गया वो यहाँ से. जी नहीं, जब मैं आया था जब 1:10 हो रहे थे जब मैं निकला था घर से. तेरे घर से निकलने पे 1:10 हो रहे होंगे ना, लेकिन यहाँ पहुंचने तो 10 मिनट बाद आया यहाँ. तो वो 1:15 पे निकला है यहाँ से, यहीं बैठा हुआ था, 15 मिनट वेट करके गया है वो. यार इन्होंने टाइमिंग का वो कर रखा है, पता मैं अब क्या करूं टाइमिंग में. महक भी नहीं है आज तो. छोड़ूंगी मैं ट्यूशन पढ़ाना, ऐसे करते हैं
करेंगे तो आई वुड बी लेट। मैं तेरे दो दो बच्चों को पढ़ाऊंगी क्या? मैं पढ़ाऊंगी तो ढंग से पढ़ाऊंगी ना भाई, ज्यादा बच्चे सरदर्दी हो जाती है दो दो बच्चों को पढ़ाने में। एक बच्चे पे इतनी एनर्जी वेस्ट करना, पता है कितना दिमाग यूज होता है? तुम्हें तो लगता है कि बस ऐवें चीजें नहीं होती कभी भी। एक घंटा एक डेढ़ घंटा किसी को पढ़ाना, अब मैं तुम्हारी मैडम के डेढ़ घंटे का पीरियड होता है, चालीस मिनट का पीरियड होता है ना, होता है ना, उसमें वो पागल हो जाती है। तो मुझे कंटिन्यूसली एक घंटा डेढ़ घंटा पढ़ाना होता है, तो फिर तो वो सारी चीजें भी होती है थोड़ी। डेढ़ घंटा नहीं तीन घंटे पढ़ाने होते कंटिन्यूसली, और मैडम कोई तीन घंटे पढ़ाती है। आधे घंटे का पीरियड दे लिया तो आधे घंटे का पीरियड अगला पीरियड उसको होगा ही नहीं। 10 मिनट का रेस्ट भी नहीं मिलता उसे, उसको एक एक पीरियड का रेस्ट मिलता है, दो दो पीरियड का। तो तू क्या सोच रहा है कि पूरे आठ पीरियड जो पूरे दिन में होते क्या आठ पीरियड लगते हैं उसके? उसमें तो चार या पांच पीरियड लगते हैं उसके, चार या पांच पीरियड। भाई हम भी स्कूल से पढ़ के आए हैं, हमें पता है जब भी हम स्टाफ रूम में जाते हैं वो मैडम वहीं बैठी रहती थी। जो तुम्हारा पीरियड लेके चलेगी ना, जैसे असिस्टिंग मैडम तुम्हारा पीरियड ले लिया तो उसका दूसरी क्लास में तुम्हारे इसके बाद ये नहीं कि तुम ये पढ़ा के दूसरी क्लास में चले जाएंगे, नहीं, उसको एक घंटे का रेस्ट मिलता था बीच में। बड़ी डिफिकल्टी होती पढ़ाने में, तुम्हें लगता है कि पढ़ाना आसान है, जो सोचते हैं ना ये फिजिकली वर्क करने वाले कि पढ़ाना आसान है, ट्यूशन पढ़ाना बिल्कुल आसान नहीं है, रिस्क होता है। तुम्हारे पेरेंट्स आगे मुझे बोल के जाते हैं ना, ये ऐसे नहीं करता। ऐसा होता है, इनके पेरेंट्स ना सुनते हैं ना ये बच्चे सुनते हैं, तो मैं तो नहीं पढ़ाऊंगी भैया। अब थोड़े बच्चे तो मैं पढ़ा नहीं सकती, पढ़ाऊंगी तो मैं ज़्यादा बच्चे पढ़ाऊंगी, मैं तो छोड़ दूंगी पढ़ाना। उन्होंने बोला है कि सोशल प्रैक्टिस को खत्म करो, एंड करो, तो अनटचेबिलिटी वाली जो सोशल प्रैक्टिस होती है इसको खत्म कर दे। ऐसे तो ये कभी 20 मिनट लेट, कभी 10 मिनट लेट, जब मर्जी उठाए आ जाते हो। मैं ना आइंदा से, अब कोई अपनी तरफ से लेट आया ना यहाँ पे, आई विल बी लेट आउट फ्रॉम हियर टू यू। ये बंदा 1:30 बजे आया, मैं 1:30 बजे वाले बच्चे को आए नहीं, अभी 2:30 बजे वाले बच्चे आएंगे, वो भी 3 बजे घर को, फिर 3:30 बजे वाले बच्चे आ जाएंगे। मैं इसको ही पढ़ा लेती जब तक पूरा चैप्टर खत्म करवा देती इसका ही। अब भाई मेरी बात, अब आने दे, अब सब बच्चों को आने दे, अभी अब आधे आधे घंटे का गैप है ना सबका, आने दे सबको। मैं सबको बोलूंगी कितने कौन कौन से, फिर ये कि सब मेरे सामने होंगे ना, क्योंकि यार दो बच्चे तो आएंगे नहीं आज। वो राधिका को मैं मैसेज कर दूंगी, वो और उसको उसका भाई बोल देगा, ठीक है, और जो दूसरे बच्चे हैं वो आएंगे, उनको मैं अभी सामने क्लियर कर दूंगी सबको टाइमिंग, तो फिर देख मैं बताती हूँ। अब रजिस्टर भी ला दूंगी, साइन करवाऊंगी बच्चों से। पहले तो अपनी बुक निकाल के पढ़ो, बुक लाई है ना? हाँ, मस्ट रीड, तुम्हारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है।
अभी मैं कहाँ पे थी कि जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं उसको खत्म करो, ठीक है, अनटचेबिलिटी वाली जो है, दैट इट बिलीव डिस्क्रिमिनेट एंड एक्सक्लूडेड, ये डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों को, भेदभाव करवाते हैं लोगों को, ठीक है, एक्सक्लूड एंड दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट, और हमारी फंडामेंटल राइट को भी वायलेट करती है ऑफ लोअर कास्ट, जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनको वायलेट करती है. Who are citizen? जो citizen है of this country, इस country के, similarly to ensure that law relating to equal inheritance, मतलब जो law है वो सबके लिए एक बराबर है, right, are respected, कि लोगों को उनकी respect करना जरूरी है. The state may have to intervene in the religion base. तो जो लोग हैं वो किसके बेस पे उनको वो करते हैं, रिलीजन बेस्ड पे, पर्सनल लॉ, जो उनका पर्सनल लॉ होता है ऑफ कम्युनिटीज का, उसके बेस पे वो उनको इंटरवेंट करते हैं. इंटरवेंशन ऑफ स्टेट कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट, जो वो इंटरवेंशन करते हैं स्टेट को, कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट, किसके बेस पे, सपोर्ट के. तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्रांट किया है राइट टू रिलीजन, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या ग्रांट किया है, राइट टू रिलीजन, कम्युनिटी टू सेटअप देयर ओन स्कूल, कि जो कम्युनिटी है वो खुद का स्कूल सेटअप करे, ठीक है, एंड कॉलेजेस. तो उन्होंने उसको क्या दिया है, वो राइट. अब देख पंजाब यूनिवर्सिटी है ना, तो उनके रिलीजन बेस पे यूनिवर्सिटी है और रिलीजन बेस पे भी स्कूल है, जो उनके स्कूल में सिर्फ उनकी लैंग्वेज चलती है. तो इट आल्सो गिव देम फाइनेंशियली एड, और वो हमें क्या देती है, फाइनेंशियली ऑन अ नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस. तो इन व्हाट वे इन इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्री, तो किस किस मतलब किस तरह से जो इंडियन सेक्युलरिज्म है, इंडियन सेक्युलरिज्म जो है डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्री, दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्री से किस तरह से. तो सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव, जो कुछ ऑब्जेक्टिव हमें दिए हुए हैं वर्ल्ड, और जो दूसरे पार्ट है वर्ल्ड का उनके, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, तो पहले अमेंडमेंट कहाँ पे हुआ था, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, प्रोहिबिट द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉ, उन्होंने रोक लगा दी थी तो लेजिस्लेटिव है वो लॉ नहीं बनाएगी. रिस्पेक्टिंग एन एस्टैब्लिशमेंट, रिस्पेक्टिंग एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजियन, और किसकी रिस्पेक्ट करेगी, जो उसने रिलीजियन को एस्टैब्लिश किया है, रिलीजियन को उन्होंने जो बनाया है, और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजियन, कि मतलब और उस पर रोक लगाई है जो फ्री एक्सरसाइज होनी, जो योगा करते हैं एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन, कि वो फ्रीली नहीं रिलीजन को अपने सपोर्ट करेंगे. तो व्हाट इज मीन बाय वर्ड एस्टैब्लिशमेंट इज दैट द लेजिस्लेटर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज ऑफिशियली रिलीजन, मतलब जो लेजिस्लेचर है ना, मतलब जो वो है वहाँ की पार्लियामेंट्री यूएसए की, वो किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगी, उनके लिए सारे बराबर, नॉर कैन दे गिव प्रेफरेंसेस, और ना ही वो उनको प्रेफरेंसेस देगी टू वन रिलीजन, एक रिलीजन. तो इन द यूएसए, यूएसए में द सेपरेशन बिटवीन, वो सेपरेट करेगी किसके बीच में, स्टेट और रिलीजन के बीच में, मींस दैट नाइदर द स्टेट नॉर रिलीजन, ना ही वो स्टेट और ना ही रिलीजन है, ठीक है, कैन इंटरफेयर, और ना ही वो इंटरफेयर उसमें कर सकता है इन द अफेयर ऑफ वन अनदर. देयर इज वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म डिफर, मतलब एक एक देयर इज वन
वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट वे है इन विच इंडियन साइक, जिसमें जो इंडियन सेकुलरिज्म है ना वो अलग है फ्रॉम द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकुलरिज्म से. किससे डोमिनेंट, किससे अलग है वो, डोमिनेंट, डोमिनेंट मतलब जैसे एक क्रॉस दूसरे को डोमिनेट करती है, उसके उसके अंडर सेकुलरिज्म से वो अलग है प्रैक्टिस से यूएसए ऑफ अमेरिका, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में. तो दिस इज बिकॉज क्योंकि ये है लाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजियन एंड द स्टेट इन अमेरिका, अमेरिकन सेकुलर, तो इंडियन स्टेट, इंडियन सेकुलरिज्म, जो इंडियन सेकुलरिज्म है, द स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियन अफेयर. तो यू हैव रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवीन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये कैसे इंटरवीन करती है हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इन ऑर्डर टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी. और वो किसको अबॉलिश करता है, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करते हैं, मतलब खत्म करना चाहते हैं इन इंडियन सेकुलरिज्म. जो इंडियन सेकुलरिज्म है ना, तो द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली, तो उसमें स्टेट स्ट्रिक्टली नहीं है सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, रिलीजन से स्टेट को अलग नहीं किया हुआ, इट डजंट मेंटेन और ना ही मेंटेन किया हुआ है. अ प्रिंसिपल डिस्टेंस विज़ रिलीजन, तो दिस मीन दैट, इसका मतलब ये है एनी इंटरफ्रेंस, कोई भी इंटरफ्रेंस करता है, कोई भी मतलब बीच में टांगड़ाता है रिलीजन के, बाय द स्टेट, स्टेट के द्वारा हैज टू बी बेस्ड ऑन द आइडियल. वो किसके बेस पे होना चाहिए, लेड आउट इन कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियल के बेस में वो कॉन्स्टिट्यूशन में बना हुआ होना चाहिए. तो दीज आइडियल सर्व एज द स्टैंडर्ड थ्रू विच वी कैन जज वेदर द स्टेट, तो उसको हम जज कर सकते हैं चाहे स्टेट हो इज और इज नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू सेकुलर सेकुलर प्रिंसिपल. तूने इनको टाइम कितने बजे बताया था, तेरे को किसने बोला था इनको टाइम बताने के लिए, तेरे को मैंने बोला था तूने क्यों बताया इनको, नहीं मैंने बताया था इसको, वो ट्यूशन में जाते हुए बोल रहा आज कोई बच्चा नहीं आता इसलिए मैं आ गया, तो मैंने बोला मुझे 2 बजे क्यों बोला इसको, 2 बजे आया था तुम्हें यहाँ पे, तूने क्यों बोला, बैठ जाओ नीचे यहाँ नहीं रखी, इसने बोला कि तूने बताया इनको 2 बजे के लिए और खुद 2:30 बजे आया ये, मेरे को इसने ये बोला था कि उदय ने मुझे बोला, तूने बोला था डोमिनेशन को भी बचाता है, जैसे मुस्लिम कंट्रीज को भी बचाता ही है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट, और ये किसकी गारंटी लेता है, दैट आर बेस्ड ऑन दी सेकुलर प्रिंसिपल, और वो हमारे लिए क्या है, सेकुलर प्रिंसिपल है. सो हाउ वी बोल, दिस इज नॉट टू से दैट देयर इज नो वायलेशन ऑफ दीस राइट इन इंडियन सोसाइटी, इंडेड सचमुच में इट इज प्रीसियसली ये बहुत कीमती है, बिकॉज सच अ वायलेशन हैपन, जिस तरीके से वायलेशन हो रहे हैं फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा, दैट वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल, ये इसमें हमें किसकी ज़रूरत है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल की, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म की ज़रूरत है टू प्रिवेंट देम, उसको बचाने की फ्रॉम हैपनिंग, जो वो हो रहा है उससे. तो द नॉलेज, जो द नॉलेज दैट सच अ राइट एग्जिस्ट मेक अस सेंसिटिव, जो नॉलेज हमें
सेंसिटिव बनाती है टू देयर वायलेशन, उनके वायलेशन को एंड इनेबल अस टू टेक एक्शन. और वो क्या लेती है, एक्शन लेती है व्हेन दिस वायलेशन टेक प्लेस. जब ये वायलेशन होता है तब वो हमारे खिलाफ एक्शन लेती है ना. मस्जिद इज कॉल्ड अ मस्जिद इन अरेबिक, अरेबिक में, अरेबिक भाषा में इसको मस्जिद कहते हैं. लिटरली अ प्लेस, ये सचमुच में वो प्लेस है वेयर मुस्लिम पोस्ट्रेट, जहाँ पे मुस्लिम पोस्ट्रेट इन रिवरेंस, रिवरेंस टू अल्लाह. यहाँ पे ये कह रहा है कि किसकी पूजा करते हैं, इन अ कॉन्ग्रीगेशनल मस्जिद, मस्जिद में. ठीक है, तो मस्जिद आई जमी और जामा मस्जिद. ठीक है, तो मुस्लिम रीड देयर प्रेयर, और यहाँ पे मुस्लिम अपनी प्रेयर पढ़ते हैं. ठीक है, टुगेदर एक साथ. मेंबर ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन, जो मेंबर है कॉन्ग्रीगेशन के, चूज द मोस्ट रिस्पेक्टेड, वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड को चूज करते हैं. लर्न मेल देयर लीडर, अपने किससे पढ़ते हैं वो, जो उनके जो मेल लीडर है ना, उनसे वो सीखते हैं. फॉर द रिचुअल ऑफ प्रेयर, क्या सीखते हैं वो, रिचुअल सीखते हैं. He also delivers, और वो क्या delivers करते हैं, sermons. ठीक है, during the Friday prayer, Friday की जो भी prayer होती है उसमें, तो during prayer, prayer के time Muslims stand facing मक्का, तो वो किसकी तरफ मुंह करके बैठते हैं, in India, India में, तो this is to the west, और वो किस side होता है, west, this is called the Qibla, इसी क्या कहते हैं. The Delhi Sultan built several masjid in city all over the subcontinent. Delhi Sultan क्या build किया हुआ इसने मस्जिद पूरी city में. This demonstrated their claim to be protector of Islam and Muslim. Masjid also helped to create sense of community. Sense of community की भी help करती है, of believers. Who share a belief system, वो क्या share करता है अपना, बिलीफ सिस्टम एंड कोड ऑफ कंडक्ट को शेयर करता है. इट वाज नेसेसरी, ये बहुत आवश्यक है टू रीइंफोर्स दिस आइडिया ऑफ अ कम्युनिटी. जो ये रीइंफोर्स आइडिया है उनकी कम्युनिटी का, बिकॉज मुस्लिम कम फ्रॉम वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड, तो वो काफी तरह के बैकग्राउंड से आते हैं. पढ़ाया मैंने अभी, उसके नीचे वाले बोले थे वो कर लिए ना, तो फिर अभी मैंने उसके बाद पढ़ाया कैसे कर रहा है, इसी के ही है वो.
वेट कैच 10 मेरा टेस्ट लेती हूँ मेरा ब्रिए मेरा परिवार लिख लेगी उस पे तेरे परिवार में कौन कौन है कितने लोग हैं उनके नाम वो क्या क्या काम करते हैं कौन कौन क्या क्या करता है मुझे ये देखना है जो तू लिख कर लाई हो मैं खुद से लिखाई है किसी से पूछ के लिखा है हाँ भाई व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ टू सेकंड ठीक है इधर मैंने तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन दिया है तो वो कहाँ है मैंने बोला था नहीं क्वेश्चन करके आना है पढ़ा जा पहले से तू होमवर्क क्यों नहीं करता पढ़ा जा क्या प्रॉब्लम है तेरी मम्मी मुझे बोल के इसको मार लो है ना गो एंड टेक आउट फ्रॉम देयर स्टिक जा तेरी मम्मी बोला था ना उस दिन है ना इसको मारने के लिए आज इसको वैसे इसको चेंज नहीं करूँगी मम्मी क्या लगी है क्यों नहीं करता होमवर्क तेरे को स्पेशली बोला है ना कि घर से होमवर्क करना है क्यों नहीं करता तू घर से होमवर्क क्यों नहीं करा क्यों नहीं करा क्यों नहीं करा होमवर्क क्यों नहीं करा करे इसको भी बैठ के दिखा पार्किंग में सुनीता सुनीता से बात करी तो वेन सुनीता विलियन कम टू इंडिया जब वो सुनीता विलियन जब इंडिया आई थी सुनीता विलियन जब इंडिया आई थी काउंसिल ऑफ चिल्ड्रन लाइक उजायरन शामिल गॉड चांस टू मीट हर तब काफी सारे बच्चों को उससे मिलने के लिए चांस मिला था सुनीता से सुनीता ने कहा था दैट हर फ्रेंड कल्पना चावला वांटेड टू कम टू इंडिया जो उसकी जो फ्रेंड है कल्पना चावला सुनीता ने बोला था जो उसकी फ्रेंड है कल्पना चावला जो मर गई सुनीता की फ्रेंड थी कल्पना चावला जो मर गई वो इंडिया आना चाहती है मीट चिल्ड्रन और बच्चों से मिलना चाहती है शी कम टू इंडिया टू फुलफिल कल्पनाज ड्रीम और वो इंडिया आएगी और वो बच्चों के उसे बच्चों सब बच्चों उसका सपना पूरा हो जाएगा
सुनील हैज एक्सपेरिमेंट टू लिविंग इन अ स्पेस. अब वो अपना स्पेस में वो किस तरीके से रही उसने वो बताया है, अपना एक्सपीरियंस बताया. वी कुड नॉट सिट एट वन प्लेस, वो एक जगह पे नहीं बैठते वहां पे. वी केप्ट फ्लोटिंग इन स्पेसशिप फ्रॉम वन एंड टू अनदर, वो एक से दूसरी जगह उड़ते रहते हैं. वाटर हू डजंट स्टे एट वन प्लेस, वाटर एक जगह नहीं मिलता. इट फ्लॉट अराउंड एज ब्लॉब्स, जैसे वो ब्लॉक ऐसे ब्लॉक्स की तरह इधर उधर उड़ता रहता है पानी, जमीन पे नहीं गिरता. टू वॉश आवर फेस और हैंड वी हैड टू कैच दीज ब्लॉक्स एंड वेट पेपर विद देम. वी एक्ट वेरी डिफरेंटली देयर. द रियल फन वाज व्हेन ऑल ऑफ अस वुड फ्लॉट इनटू द डाइनिंग एरिया of the spaceship and catch the floating food pockets. मतलब वहाँ पे सब चीज़ें उड़ती रहती हैं, उनको ऐसे पकड़नी पड़ती है, जैसे कोई भी चीज़ उन्होंने बैग से निकाली वो वैसे उड़ेगी, पकड़ के यूज़ करनी पड़ेगी उन्हें, हाथ में पकड़ के ऐसे साथ उड़ेगी ऐसे पकड़ के. तो इन स्पेस देयर वॉज नो नीड यूज अ कॉम, माई हेयर कैप्ट स्टैंडिंग ऑल टाइम, उसके बाल भी ऐसे रहते थे उड़े हुए, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी नहीं है किसी भी दिन, ये अर्थ पे तो ग्रेविटी है ना, तो हर चीज नीचे आती है, ऊपर से नीचे आती है. गेंद को फेंक नीचे क्यों आती है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. लेकिन किसी और प्लेनेट पे ग्रेविटी नहीं है, तो वहां पे चीजें उड़ती रहती है, हवा में ही रहती है, नीचे नहीं गिरती है. So not being able to walk, we had to get used floating around. So we had to learn to do simple thing differently to stay at one place. We had to starve ourselves. There, the paper also had to stuck to the wall of the spaceship. It was a lot of fun living in space, but it was also difficult. मतलब मुश्किल हो गया ना उनके लिए स्पेस पे रहना, हर चीज़ उड़ती रहती है, उसको पकड़ पकड़ के पानी, इवन पानी भी जैसे गिरा है ना जमीन पे नहीं गिरेगा, उड़ता ही रहेगा पानी. अब सोच ले चाहिए रुकती होगी, पट्टी करेंगे तो उड़ेगी. हाँ ग्रेविटी नहीं है ना उसमें, तो फिर एक महीने स्पेस पे कैसे रही होगी. हाँ मैं बोलते हूँ, और ये जब उसने पॉटी वगैरह की होगी वो, क्योंकि ना मैंने उसकी वीडियो देखी थी एक इस पे यूट्यूब पे, वो भी उड़ते रहते हैं. तो वही तो बताइए अपना एक्सपीरियंस, उसके जब बाल उड़ रहे हैं ऐसे, उसे ना ब्रश की थी जब उसने पूरा, तो वो पूरा देखा था तुमने? हाँ मैंने यूट्यूब पे देखी थी वीडियो इसी की, सुनीता विलियम की. उसने जब ब्रश की थी ना तो उसने कुल्ला किया था, ऐसे उड़ रहा था चारों तरफ. ग्रेविटी नहीं है उधर, इसीलिए ग्रेविटी से अर्थ पे है जो सब चीज नीचे आती है. हम कुछ भी चीज ऊपर फेंकेंगे वो चीज नीचे आएगी, लेकिन स्पेस पे ऐसा नहीं है. ऊपर ही रहेगी, काफी ऊपर ही जाती रहेगी और उड़ती रहेगी, हमें पकड़ के यूज करनी पड़ेगी. अभी बोल रही है कि पानी है ना, पानी अपना वो यूज मुंह धोते थे ना, ये तो कैसे धोते थे, पानी जो ऐसे पानी को ना ऐसे फेंक देते थे, उड़ता रहता था, तो जो टिश्यू पेपर होता था ना उससे ऐसे इकट्ठा कर लेते थे पानी, टिश्यू पेपर में आ गया उससे मुंह साफ करते थे. तो एक महीना कैसे रही होगी ये वहाँ पे, बहुत मुश्किल से और ऐसी बात है ना इधर. बाल नहीं कैसे उड़ रहे हैं इसके, तो दिख रहे नहीं बाल उड़ रहा है. हाँ. इसकी ना वीडियो देखी यूट्यूब पे, सुनीता विलियम इन स्पेस, स्पेस में ये क्या कर रही है, तो स्पेस में पूरी वीडियो है इसकी, किस तरीके से बैठी है ये सब चीज है. तो ये फोटो भी तो वहीं की है, इसको कहते हैं सच्चाई.
बाहर निकल के थोड़ी ना यूं पकड़ रहे हैं, ऐसे थोड़ा चल रहे हैं उस पे। बाहर तो कोई चला ही नहीं था, चला था राकेश शर्मा चला था, दो कदम चीजें उड़ती इंसान नहीं उड़ते। इंसानों में ना मतलब उन्होंने जो पहनावा होता है वो ऐसा पहनावा होता है कि वो वहीं बैलेंस्ड रहते हैं। जब वो चल रहा था ना वहां पे तो कूदते होंगे तब तो थोड़ी देर के लिए तो रहते होंगे हवा में, जब कूदते होंगे तो थोड़ी देर तो रहते होंगे ना हवा में कूदते होंगे। पता नहीं उन्होंने कुछ ऐसा पहना हुआ होता जिससे वो ही मोटा सा ऑक्सीजन तो उन्होंने वो सिलेंडर पहना हुआ होता है, सिलेंडर पहना हुआ होता है, सिलेंडर लिया हुआ होता है। लेकिन जो ये चीज होते हैं उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, बॉडी वो उस हिसाब से होता है, वो ऐसे कपड़े होते हैं मोटे से जिससे उनके स्पेस वाले कपड़े नहीं देखे तुमने कैसे होते हैं तो वो उसी वाले होते हैं जिससे इंसान वहां उड़े ना। तो भाई तो कह रही वो चीजें उड़ रही है इंसान तो उड़ रहे हैं, इंसान उड़ जाए तो पकड़ेंगे कैसे, तो जाए क्यों रहे स्पेस पे। इंसान उड़ जाए तो पकड़ेगा किस चीज को इंसान ही, तो ये भी नहीं होते पकड़ेगा वो भी तो उड़ेगा वो भी तो पकड़ेगा कौन पकड़ेगा उसको कौन पकड़ेगा वो भी स्पेस की। मैं तो इसमें देखी थी यूट्यूब पे वीडियोस इनकी, मैं तो इसमें चल मूवी में तो चल फेक भी होती है बट ये फेक नहीं है वो तो मैं पता है फेक नहीं। तो इनको देखो ना तुम, ये सुनीता विलियम हुई, कल्पना चावला हुई, बेचारी कल्पना चावला तो आते आते मर गई थी, पता क्या पोस्ट कराओ फिर जैसे वो नहीं मरी क्या विपिन रावत, विपिन रावत मर गया ना हमारा सीरीज ही न्यूज़ आ गया था परसों ही मर गया था पाजी पाजी उसका हाँ टूट कर आ गया था बाहर से नहीं वही सब पर वही फोटो लगा दी पाँच के हस्बैंड वाइफ दोनों मर गए वो पूरे कितने लोगों की मौत थी 13 तो वैसे ही थे मिलिट्री वाले अच्छा और उसके वो भी थी वाइफ भी थी 15 लोगों की मौत हुई है 13 वो एक वाले और वो उसकी वाइफ हेलीकॉप्टर की ना वीडियो भी आई है किसी की ऐसी वीडियो आई है हल्की सी वहीं पे चेन्नई में, उसके बाद वो हेलीकॉप्टर भी कौन पता नहीं क्या हो गया तो उसको क्रैश हो गया दिखा रहे थे कि आग लग गई थी और जंगलों के बीचों बीच क्रैश हो गई और आग लग गई थी थोड़ी बहुत यार वो जो फटेगा ना तो आग लग जाती है। हमें ये नहीं पता कैसे वो हुआ क्रैश नहीं कैसे फटा हुआ बटन खराब हो गया हेलो फ्लाइट फ्लाइट में जाना उसमें जाना रिस्क नहीं है फ्लाइट में भी कुछ हो सकता है आइडिया टूट जाता है फ्लाइट में भी कभी कुछ हो सकता है शूट देर के होते हैं शूट मेरे पापा को बहुत अच्छा लगता है फ्लाइट में जाने से नहीं वो मजा आता है गया गया जैसे लोग घूमते लाइफ में एक बार तो बंदा बैठ ही सकता है फ्लाइट में इतना तो कमाता ही हर कोई की कितनी टिकट लगती है 2,500 या 3,000 3,000 की लगती है
एक बार की, तो इतना तो साल में तो इतना जोड़ लेना बंदा कि एक बार फ्लाइट में बैठ जाना आ जाए। फिर हर कोई जा सकता है, हर किसी की हैसियत है, और गवर्नमेंट ने ऐसी फ्लाइट्स निकाली हुई है कि जो गरीब है वो भी फ्लाइट पे जा सकता है। ठीक है, कहते ना कि एक है ना कहावत, हर नागरिक उड़ेगा, ऐसे करके है इसने निकाला कि हाँ, तो हर बंदा जा सकता है भाई, चाहे वो मजदूर क्यों ना हो, हर बंदा फ्लाइट में बैठ सकता है। दैट इज नॉट द बिग थिंग कि तू गरीब है फ्लाइट में बैठना इज नॉट द बिग थिंग। फ्लाइट की टिकट कितनी होती है? 4-5 हज़ार। फ्लाइट में जाने के लिए तुम्हें सिर्फ चाहिए 4-5 हज़ार किराया, साल में बंदा इतना तो जोड़ ही लेता है, इससे ज्यादा जोड़ लेता है, एक महीने में ही इतना जोड़ लेता है, इससे ज्यादा जोड़ लेता है, एक महीने में सारे खर्च कर दो तो क्या चले जाएंगे। इससे कोई मजदूर ना एक दिन उसके ज्यादा होते हैं, मजदूर की झाड़ी भी मजदूर की झाड़ी ज्यादा होती है ना, वो उसको पता है। ₹500 झाड़ी होती है एक दिन की मजदूर की, 20 दिन के लगा ले तू, सॉरी 500 से करना है, 15 से कर दे 15,000 के कम है मजदूर के, मैं तो मजदूर से ज्यादा मजदूर कमा था, मेरे से ज्यादा तो मजदूर कमा रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ मजदूर के सामने, लेकिन बाहर वो काम भी तो कोई पूरा आधे घंटे करता है, तो मैं तो आधे घंटे से भी कम करती हूँ, आधे घंटे से भी आधे घंटे कम करती हूँ, फिर भी वो 8 घंटे करता है, और मैं 8 घंटे, हम जैसे जो पढ़े लिखे लोग 8 घंटे काम कर रहे हैं ना, वो मजदूर भी जितना कमा रहे हैं, भगवान का सब मजदूर भी जितना कमा रहे हैं, वो जो हम जैसे पढ़े लिखे लोग 8 घंटे काम कर रहे हैं ना, मैं तुझे सच में बोल रही हूँ, मजदूर बनो उससे क्या बॉडी फिट रहती है, कभी बीमारी क्यों, क्योंकि वो ऊपर चढ़ते हैं नीचे चढ़ते हैं, अब लोग जिम में जाते हैं, लोग जिमों में जाकर भारी चीजें उठाते हैं, तो देख मजदूर अगर सारी जनरेशन पड़ेगी घर कौन बनाते जाएगी, तो मैं तो चाहती हूँ मेरे को मजदूर बना दे, चाहे पढ़ लिख के कोई बात नहीं, एक बार बॉडी तो सही रही, कल को जो पैसा लगा कमा रहे हैं वो हमारी बीमारियां कट गई, ये बात सही है, पता है क्या होता है, एक लोग क्या करते हैं घर में, अभी जो एक्ट्रेस वगैरह एक्ट्रेस वगैरह क्या करते हैं घर में रहते हैं, मतलब नॉर्मली लाइफ जीते हैं और जाते हैं जिम, जिम में जाते हैं वर्कआउट करते हैं, घर में भी थोड़े काम करते हैं, मेड वेड काम करते हैं, फार्मर्स की मजदूरों की बहुत अच्छी लाइफ है, इनकी सैलरी अच्छी होती है, डे टू डे कमाते हैं, झाड़ी पे कमाते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग इज अगर हम पूरी जनरेशन पढ़ेगी मजदूर कौन बनेगा, घर कौन बना के सब झूठे देख, इस दुनिया में ना हर किसी का होगा, आने वाले टाइम में ना पढ़े लिखे लोग ही बनाएंगे करेंगे सारी चीजें, सब बन जाएगी।
पढ़ लिख के लोग बोले अरे भाई ये भी होना जरूरी है, पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, इसलिए ना कोई काम छोटा नहीं होता, हर काम लिखे लोग ऐसा जरूरी है, एक जो बोला है जरूरी है, कहना बोलना जरूरी है, हर चीज बोलना जरूरी है, मोची बोलना जरूरी है, वो खोलने आ रहा हूँ तो चप्पल जूते कौन ठीक करे, डेल नहीं जूते तो नहीं खरीद सकते हैं, दुनिया में हर इंसान जो है, लेकिन लोग क्या कहते हैं हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे, हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे, हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे, क्या होता है कुछ और करना चाहता, हाँ लेकिन माँ बाप अपने बच्चों के स्पोर्ट नहीं करते हैं, ये हम जो बने ना दुनिया के हिसाब से बने, तो हम चलते हैं उस हिसाब से, नहीं बोलेंगे ये तो अफसर, अरे वो अफसर बन गया तो फिर अफसर बना के रोड पे अफसर, फिर मान लीजिए ना जब हम पढ़ने जाएंगे ना और जब कोई मजदूरी नहीं करने वाला होगा तब वो जो रिच लोग होंगे ना वो ज़्यादा पैसे दे के देंगे हमारे हमारे लिए बना, तो उस तब अमीर सबसे ज़्यादा कौन होगा, सैलरी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, मैं सच बोल रही हूँ कि हम पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं एजुकेशन मतलब यू मत समझो कि जॉब मिल जाएगी, ये हम जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, ये पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं, नहीं ये तो मेरे पास बतेरे काम है बचने के लिए आने वाले, ठीक है तो कभी भी कोई काम करने से शर्माना मत, क्योंकि क्या होता है कि मैं देख मैं ना मैं कर मैं बाहर निकल के अच्छी नौकरी कर सकती हूँ, बाहर ना बाहर मेरे से भी पढ़े पढ़े लिखे लोग हैं जो मेरे जैसे नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें और मुझ में का डिफरेंस है, थोड़ी सी ठंड लगती है, तो फिर इससे बड़ा मुझे बैठ के मैं तुम्हें पढ़ाऊँ ना, ये तो मुझे नौकरी दिखती है, पता है मैं मजदूरों से कितना कम कमाती हूँ बाहर जाकर 8 घंटे की नौकरी में, तुम जॉब में बाहर करने के मुझे 15,000 का मानता है एक महीने में 500 रुपये एक दिन के, सबसे अच्छा है मजदूर बिताना, विवेक को कहते हैं पढ़ाई लिखने का पढ़ाई पढ़ना पढ़ने का पढ़ना लिखने का मतलब ये होता है, अब जो चीज़ तुम मैं पढ़ा रही हूँ तुम इसका यूज करो, ये नहीं कि नौकरी करने के लिए पढ़ाती हूँ, वो तो तुम्हारा करियर है ही है, नौकरी करता तो तुम्हारे पास बहुत सारी नौकरियाँ है ही है, जरूरी नहीं है कि तुम बन के पढ़ के लिख के और ऑफिसर ही बनोगे, तेरे लोग आने वाले जीवन में जितने भी अब इस टाइम के जो बच्चे हैं गवर्नमेंट ने अपने जो पहले से लेके 8 तक के बच्चे भी पास कर रहे हैं, बेवकूफ़ी कहीं किए नहीं किए, मजदूर कौन बनेगा फ्यूचर, पढ़ने लिखने का मतलब ये होता है कि हमें चीज़ों को समझना जरूरी है, कोई हमारे साथ गलत ना कर सके, हम पढ़े लिखे इसलिए, कोई हमारे को बेवकूफ़ ना बना सके, हम पढ़े लिखे इसलिए, काम करने का मतलब मैं पढ़ना मैं जो पढ़ी लिखी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमाने के लिए पढ़ रही लिखी हूँ, पढ़ने मतलब लिखने का मतलब ये हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए, जैसे हम पढ़ रहे राइट्स अपने ह्यूमन राइट्स वगैरह पढ़ रहे हैं ना, हमें कोई हम पे कोई गलत अक्यूज ना करे, कोई हमारा गलत यूज होते हैं ना लोग पास कि भाई ये तो अनपढ़ है चलो इसको यूज कर लो, इसका मतलब मटर वटर कर देते हैं नाम किसी और का होते हैं ना, तो पढ़ने लिखने का मतलब यही होता है कि कोई हम पे क्राइम करके हमें अक्यूज ना करे, आया समझ में, एजुकेशन मतलब एजुकेशन का मतलब ये होता है, अपना ना थोड़ा दिमाग यूज़ किया करो, जो हमें पढ़ाते हैं उस चीज़ को अच्छे से समझ आते हैं, और अभी से ही थोड़े से अपने आप को माइंड ओपन कर लो अपना फॉर द थिंग्स, खुद अपने से अच्छे रखो, हाँ हाँ अकॉर्डिंग टू द थिंग्स, अब चलिए क्वेश्चन करो, ये मैंने पढ़ा दिया, अब तू देख लो चाहे तू कितना भी पढ़ ले, होता है ना कभी कभी जैसे मैं पढ़ रहा हूँ और मेरा फ्रेंड पढ़ रहा है, हम दोनों बहुत पढ़ते हैं,
लेकिन ये आगे निकल जाता है, ये कुछ नहीं कर पाता। क्यों क्यों नहीं कर पाता? भाई तू भी वही है, वो भी वही है, वो आगे निकल गया, तू पीछे रह गया। क्यों? पढ़ाई भी नहीं। रीजन इज दिस, तुझे बनना ही नहीं है, तेरा तू वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि जो हमारा नेचर है ना वो चाहता है कि तू वो बनेगा नहीं, वो जो वो बन रहा है तेरे लिए कुछ और। क्योंकि हर अभी बता, ये दरवाजे कौन बनाएगा? कारपेंटर। और जितने भी बूढ़े बूढ़े लोग हैं जो पहले पढ़े लिखे नहीं है, वो कारपेंटर बनना नहीं बन रहे। अब वो अब आने वाली जनरेशन में वो रहेंगे, तो आने वाले टाइम पे कौन कारपेंटरिंग करेगा? बिना दरवाजे करेगा तो खुद ही बनाएगा दरवाजा। डॉक्टर बन, चल तू डॉक्टर बन गया तो कोई दरवाजा नहीं बनेगा। डॉक्टर तो कोई तेरे मजाक नहीं उड़ाएगा, तू डॉक्टर बनेगा दरवाजे बना। तुम लोगों को भी ना ये वो भी आ जाती है कि भाई मैं तो ये बन गया, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं दरवाजे नहीं बना सकता। बाहर ना बाहर इतनी नौकरियां हैं, नौकरियां नहीं है खैर, लेकिन नौकरी करने वाले इतने हैं, क्योंकि सब क्या है ये बोलो हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। ऐसी लड़ाई है बाहर, छीना छपटी है गंदी तरीके से, तो बहुत गंदा फ्यूचर है आगे आने वाले टाइम में, बच्चों का भविष्य। जहाँ 3 बज गए ना, तेरे को पाँच चैप्टर में बनाऊंगी मैं, नंबर लिख के लाइयो मुझे दिखाइयो। Thank you.
कौन सा वाला बोल फर्स्ट कैन यू थिंक व्हाई सुनीता इज हेयर वाज स्टैंडिंग सुनीता के हेयर वहां पे खड़े हुए क्यों थे बिकॉज देयर इज नो मैं एक आगे हो जाऊं यार किस तरह बैठा है कि सारा कारपेट इसे सुखेड़ रखा है इसमें पीछे से देख कारपेट के ऊपर बैठा भी है नीचे बैठा है ये उदय को कह रही हूँ मैं कारपेट पे नहीं बैठा हुआ ये इसने भी कर दिया किसने देखो
पहले से ही था जब ये देख कारपेट पर ढंग से बैठा करो ना ठंडी लगती थी इसका दादा मोटे कपड़े पहन के आते थे दादा पहले बैठ वहाँ से वो यू कम हियर 2 o'clock राइट तुम तो हो जाएगा काम कर अपना देखिए 3:30 वाले बच्चे आएंगे मतलब मैं कंटिन्यूसली 1 बजे से पढ़ाने लगूँ तुम्हें है ना 1 बजे से 5 बजे तक पढ़ा रही हूँ 1 बजे तो 1:30 बजे से पढ़ा रही हूँ मैं वो 1:30 बजे आया था लड़का तो चला गया था तू बैठा था ना कि देर तक 1:30 बजे आया था वो डेढ़ बजे वो आया फिर 3 बजे फिर 2 बजे ये आई 2:30 बजे तुम दोनों आए 3 बजे कोई नहीं आया 3:30 बजे रुद्र और ये 2:30 बजे आना भी कौन से और उनको 1 बजे वो भी नहीं मैसेज करूंगी आ गई उनको 1 बजे
काम ही नहीं करा इसने तो होमवर्क, कितना भी मार लो उसको फर्क नहीं पड़ता। होमवर्क लिख अपना। कौन? तुम दोनों। मैं तो चक्कर में। जब चक्कर हो गया ना पूरा, अब कौन सा लगाना है? इसका एक और लगा लो। देखो। देखिए ना बड़ा ये क्या? बड़ा छोटा का कैप करना तो करना ही है। वाइड भी नहीं पा लिया। वाइड भी नहीं खावे पा लिया मेरी कोई जरूरत है। इट्स वेरी इजी, दिमाग से ही बड़ा आसान है। क्यों ज़्यादा दिन पा लिया मेरी? डिस्कशन का रोड तो करोगे? तेरा टेस्ट, तेरा छुट्टी नहीं हो रही है अभी तो, 2:30 बजे आई है ना। I reading in the park, my favorite playing football. Mehak reading in the book. Mehak sitting in the chair. I am drinking milk. Running in the park. कहाँ से बताया है? पहले तो उसके बर्फ पे underline कर कौन कौन से। Look at Sunita photograph and the date written on each of them. अब सब पे डेट लिखी हुई है। फोटोग्राफ देखो और राइट फोटोग्राफ, लुक एट सुनीता फोटोग्राफ, उसकी फोटोग्राफ देखो एंड द डेट्स रिटन ऑन ईच ऑफ दैम, एक एक पे डेट लिखी है। राइट व्हाट ऑल इज हैपनिंग एंड व्हेन, और लिखो क्या हुआ था और कब हुआ था। अब तुम्हें करना है यहाँ पे वो क्या लिखो, डेट क्या है आज? वो क्यों लेकर आया? वो तेरे से तुम्हारे साथ आई है? वो ये किसके साथ आई? ये तो अकेले आई है ना पापा, ये तो कल लेने का आएगा, फिर भी जाती है इसके साथ, जाएगा इसके साथ, चल जाती है। कब करना गया है तुझे? बस जहाँ से तुम्हारी बड़ी साथ है वहाँ जाते वहाँ चलते और करना। इतने बजे आया था 2:30 बजे, तू भी 2:30 बजे तो बहुत मालूम है तुमको। 2:30 बजे 1 बजे से 2:30 बजे मैं कराऊंगी ना। आपने तो कल वर्षा को बोल रहा है इसके लिए, तुझे भी तो बोला था। हाँ फिर मतलब मैं तो 2:30 बजे आऊंगी ये करना, मैं तो 2:30 बजे आएंगी, ये भी 2:30 बजे आएगी। तो मैं और क्या कह रही हूँ, जो 1 बजे वाले बच्चे पूछ रहे हैं, जो 3:30 बजे सर 1 बजे वाले बच्चे 2:30 बजे तक पढ़ेंगे। हाँ वो देख, 1 बजे कौन कौन आया? दीपक, कार्तिक, रुद्र, राधिका और ये अभी जो पढ़ के गया है ऋषभ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 बजे तुम आओ। 6 बच्चे बच्चे इधर तो कमी है 2:30 बजे क्योंकि अभी वो भी नहीं आ रहा है यश, और कौन नहीं आ रही है अभी, वो भी नहीं आ रही है, वो तो ठीक हो गई था अभी भी। यश मैम, मैंने उसको अपने उसके दादा के साथ देखा था बाहर। चल वो जब तक उसका भाई आया वो नहीं आएगा। वो तेरी सही काशिका,
वो उसको तो पता है, वो कल ही आई है, क्योंकि आज मेरी मम्मी ना आज तो उनको रिसेप्शन पे जा रही है, आज तो उनकी रिसेप्शन है ना, वहीं पे जा रही है रिसेप्शन। तो तेरी मम्मी भी जा रही है रिसेप्शन पे? पापा के साथ आज कल आ जाएगी वो, शायद से तो कल भी नहीं आएगी, मेरे को लगता है वो बोल थक गई है, ये बात है। कल आएगी नहीं वो, आज रिसेप्शन है और वो आज रात को तो वहाँ से आ जाएगी शादी में से। अरे कल सुबह, कल वहाँ से आएगी तो अपने घर आराम नहीं करेगी क्या वो? तो नहीं आएगी मेरे बच्चा, तो लगता नहीं कर वो तो मुझे कहीं 10 बजे 10 तारीख के बाद भी लगेगी, बाद बताओ 12 तारीख आ जाओ तो के बाद हिंदी वाला हो गया जल्दी लिखो, फिर लिख के दिखाना बना लेती है। कुछ नहीं लूंगी मैं, कल अपनी तरफ से सरप्राइज टेस्ट करूंगी इसका, जो कल उसकी दुनिया है जो भी अब तक पढ़ाया है सारा। होमवर्क दे दी बोल दे तो
क्लासरूम बिकम अ स्पेसशिप। अब वो क्लासरूम क्या बन गया है? तो आप इमेजिन करो क्या क्या हो रहा है। क्लोज योर आईज, इमेजिन दैट योर क्लास इज स्पेसशिप। Zoom in 10 minutes, you have entered in space, your spaceship is now going around the earth. Now say, are you able to sit one place? Kya tum meze ko baithne like ho? What about your hair? They stand. So look, where are your bags and books going? In the air? Flying. And what is your teacher doing? Teacher kya kar rahi hai? Sit. Where is your chalk? अभी मैंने अभी करी है। How did you eat your food during the break? खाना कैसे खाया? From pie. How did you drink water? What happened to the ball that you threw up? Lying in the air. Act out or draw the scene. Is it amazing on the earth when we throw something up? ये amazing है जब हम कुछ भी फेंकते हैं earth पे तो it come down. When we throw a ball up in air तो हम हवा में ball फेंकते हैं fall back. Yes. We are able to catch it. Yes. On the earth. नीचे बैठ जाता है. तो we don't keep floating around. चारों तरफ हम नीचे नहीं है. When we fill a glass or bucket with water, जब पानी भरते हैं मग से बाल्टी में, पानी नीचे ही तो जाता है, हवा में थोड़ा होता है. It stay there, तो वहीं रहता है. It doesn't float around in blobs, as Sunita Williams say. Blobs कहाँ होते हैं? पानी के कुल्ले, वो जो पानी की बूंदें ऐसे उड़ते रहती है स्पेस में, उड़ती रहती है जमीन पे, अर्थ पे. किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ इन द स्पेस. थिंक हाउ फार दिस वुड बी. फाइंड आउट विच टाउन और सिटी इज लोकेटेड अबाउट 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम वेयर यू लिव. This is how far Sunita Williams went away from the earth. Can you now say why Sunita's hair kept standing? Sunita ke hair kyun khade rehte hain? Think why water flow downwards on any slope on mountain to water. Ye socho ki jo pani hai wo niche kaise aata hai? Niche. Earth pe. माउंटेन पे से हम ऊपर से नीचे पानी डालने में तो नीचे आया है नॉट अपवर्ड और ना ही ऊपर तो जाएगा ही नीचे आएगा जब ऊपर खड़े तो नीचे आएगा. हाँ. वेयर आर द लाइंस. सुनीता डिस्क्राइब हर व्यू ऑन अर्थ फ्रॉम द स्पेसशिप. द अर्थ लुक लाइक ब्यूटीफुल. सुनीता ने बताया जो वो स्पेस से जो अर्थ देख रही थी ना वो कैसी लग रही थी. सुंदर और अमेजिंग लग रही थी. ब्यूटीफुल और अमेजिंग. वी कुड वॉच इट फॉर आवर. उसको हम घंटों तक देख सकते हैं. ठीक है. फ्रॉम द विंडो. विंडो से ऑफ द स्पेसशिप. स्पेसशिप की विंडो से वी कुड क्लियरली सी द कर्व स्पेस शेप ऑन द अर्थ. ऑन द अर्थ. अर्थ पे. अर्थ से वो कर्व शेप दिख रही थी. Look at this photograph of the earth taken from spaceship. ये वाली फोटोग्राफ ली है अर्थ की स्पेसशिप से. We know that
वी नो व्हाट द अर्थ लुक लाइक, हम जानते हैं कि अर्थ कैसी लग रही है. बट थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, लेकिन हजारों साल पहले, पीपल कुड ओनली इमेजिन, सिर्फ लोग इमेजिन कर सकते हैं व्हाट द अर्थ लुक लाइक, कि अर्थ कैसी लग रही है. साइंटिस्ट ट्राई हार्ड टू फाइंड हाउ बिग इट इज अर्थ, हाउ डज इट गो अराउंड. ये क्या है, इनका 2:30 से 4 तक कर दिया मैंने. 2:30 से 4 नहीं, इनका 1 से 2:30 पढ़ोगे ना तो 4 बजे छुट्टी हो जाएगी इनकी. 4 तो मेरे की चले भी गए, इन्होंने इतना कंफ्यूज कर दिया ना एक दूसरे को कि आधे बच्चे ना 2 आ गए, आधे बच्चे 1:30 आ गए, आधे बच्चे 1 आ गए. 1 से पढ़ा रही हूं मैं. देखा क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का है, इंग्लिश को आवाज तेरा नहीं नहीं वो तो पत्थर था कल लाया नहीं था आज लाया. एमसीक्यू रिफाइज योर रिस्पांसिबल ब्रिंगिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ, दिस इज कॉल्ड, बताओ योर रिस्पांस ये किसके बेस पे है. बेस ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज. इतना इजी पेपर आया तुम्हारा, सारा पैसेज के बेस पे आया. नहीं नहीं इसमें ग्रामर भी है. तू तो कह रहा कि तुम्हारा है वो वाला पेपर है, इसमें 50 वर्ड्स में क्या लिखना है. ये क्या जी, कुछ नहीं लिखना, सब एमसीक्यू है. यू आर आयशा, यूज द हेड गर्ल बॉय सर्वोदय स्कूल ड्राफ्ट एंड नोटिस. ऑप्शन है ना वो बताना. इन मोर देन 50 वर्ड्स इन राइटिंग सबमिशन फॉर द स्कूल मैगजीन. ठीक है, स्कूल मैगजीन के लिए एक वो नोटिस लिखना है ना, तो सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द नोटिस. रुक जा, रुक जा, किस चीज के लिए ड्राफ्ट नोटिस. अच्छा,
इनवाइटिंग सबमिशन 50 वर्ड्स का इनवाइटिंग सबमिशन फॉर द स्कूल, तो बताओ तुमने क्या आंसर? कॉल फॉर सबमिशन, ये बी क्रिएटिव, गेट पब्लिश, क्लेम टू फेम, कॉल फॉर सबमिशन, क्योंकि सबमिशन के लिए हमें बताना है ना उसकी हेडिंग, हमें सबमिशन के लिए हमको बुलाना है स्कूल मैगजीन में लिखने के लिए, तो तुम तो सबमिशन कॉल को बुलाया सबमिशन के लिए। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द मोस्ट एक्यूरेट ओपनिंग फॉर द नोटिस फॉर दिस नोट। सबसे पहले नोटिस में तुम्हें क्या लिखना है? वो ये हेडिंग होती है, उसके बाद ग्रीटिंग एंड अटेंशन अटेंशन टू वन एंड ऑल, द नोटिस रिटन टू शेयर सम न्यूज विद यू ऑल, this is inform all the student of Sarvodaya Vidyalay, I am pleased to share with all the student also. मैं बहुत खुश हूँ तुमसे ये शेयर करना with all the student of Sarvodaya school, Sarvodaya school तो मेरे हिसाब से तो last one line perfectly रहेगी शुरू में लिखने के लिए। तुम पहले या फिर ये greeting and attention please ऐसे बोलोगे क्या तुम? क्या लोग यहाँ पे लोग बैठे हैं please मुझे सुनो? No, I am pleased to share, मैं खुश हूँ तुमसे ये share करने के लिए with all the student, क्योंकि this notice is written share some news, ये तो it just become old, this is to inform all the student of Sarvodaya, this is also become, it is new thing is look like I am pleased to share with you all, मतलब नया चीज़ इस मतलब जो different तरीके से जो अच्छे तरीके से जो लोगों को पढ़ने में बड़ा अच्छा लगे वो लगेगा I am pleased to share, मेरे हिसाब से तो इसका ये उसका नहीं होना चाहिए, नोटिस के लिए बताना है ठीक है। सिलेक्ट द ऑप्शन विद द इंफॉर्मेशन पॉइंट टू बी इंक्लूड इन द बॉडी ऑफ द नोटिस। अब बॉडी ऑफ द नोटिस में क्या क्या लिखते हैं? शॉर्ट स्टोरी, पोएम, ओरिजिनल आर्टिकल, नो। लास्ट डेट ऑफ फॉर सबमिशन, नो। कलर ऑफ द मैगजीन, नो। हाँ कलर ऑफ द मैगजीन, लास्ट सबमिशन जो लिखेंगे, हाँ प्राइस ऑफ मैगजीन, प्राइस थोड़ा आएगा मैगजीन का नोटिस में, वही आएगा लास्ट सबमिशन का होगा, नोटिस में प्राइस तो आएगा ही नहीं मैगजीन का, मैगजीन के अंदर नोटिस पढ़ रहे हो ना तुम, मैगजीन का प्राइस नहीं आएगा। स्कूल मैगजीन जो छपती है उसके अंदर नोटिस आया है ना, तो उसमें प्राइस तो आएगा ही नहीं, तो थर्ड फोर्थ नहीं है मेरे हिसाब से, टू थर्ड थीम ऑफ मैगजीन, टू थर्ड फिफ्थ है, प्रिंटर ऑफ मैगजीन तो आएगा ही नहीं, टू थर्ड फिफ्थ है, बी है मेरे हिसाब से। देख लास्ट डेट ऑफ सबमिशन वो तो आएगी आएगी नोटिस में तो आता ही आता है ठीक है, और कलर ऑफ नोटिस रिफ्लेक्ट द नेम ऑफ द स्कूल, क्या नोटिस रिफ्लेक्ट करता है हमारे स्कूल का? स्कूल की अपनी मैगजीन्स होती है ना, यस बिकॉज इट इज द इशू नहीं बिकॉज इट इज नॉट अंडरस्टैंड थ्रू द मैगजीन बिकॉज इट मेक इट इज इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन, या तो सी है या तो ए, करंट अफेयर से करंट अफेयर
हर रोज कितनी सारी होती है, ऐसे ही होता है भाई। तो तू सोचो मुझे कितनी डिफिकल्टी होती होगी, वही चीज मेरे साथ होती है। देख कहीं ना कहीं किसी ना किसी, चाहे हम कितना भी पढ़ ले, चाहे हम उसको रात बैठ बैठ कितना भी याद कर ले, यू विल बी कंफ्यूज्ड। ये हर स्टूडेंट के साथ है हु स्टडी, आई समझ रही, नॉट फॉर मी एंड नॉट फॉर यू ओनली, इट इज हैपनिंग विद ऑल। पता नहीं कौन कैसे लोग बंदे, वो तो मैं तुक्के लगा देते हैं, कुछ लोग तो क्लियर करते हैं ना तुक्के लगाते हैं, मैं तुक्के कभी नहीं लगाती, क्योंकि जो मेरा होता है ना ये वो होता है नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग हुई है ना, मेरे को जो गलत है ना उसके नंबर कटेंगे, जो सही है जैसे अब मेरे को चार सही हैं, दस में से चार सही हैं छः गलत हैं, तो जो चार सही है ना उसमें से छः जो गलत है ना उसके नंबर कट जाएंगे। क्या होता है हमारे तो रिस्क हो जाता है ना, डू और डाई, यही तो कह रही मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। सेकंड वाली, कैन यू रिकॉग्नाइज एनी अदर प्लेस, क्या तुम कोई बता सकते हो कोई प्लेस इस अर्थ में? तो ऐसे ही होता है हमारा कि हमारा फोर ऑप्शंस होते हैं भाई, आपका हमारे भी ऐसे ही सेम, ये पैराग्राफ दे दिया, दो पैराग्राफ, तो हाँ तो पैराग्राफ पैराग्राफ आते सारे, पैराग्राफ दे दिया, ठीक है, उन्होंने बोला इसको पढ़ो, चार ऑप्शन दे दिए, इसका टाइटल इनमें से कौन सा होना चाहिए? ऐसे कैसे हो सकता है, चार ऑप्शन दिए हैं, एकदम परफेक्टली एकदम करेक्टली होना चाहिए ना रिलेटेड टू दिस पैराग्राफ, और उसके लिए तो मैंने सिर्फ आधा मिनट दिया है, आधा मिनट से भी कम मिनट दिया है, इतने बड़े पैराग्राफ को पढ़ते, अगर मैं मेरे पास अभी भी क्वेश्चन पेपर रखा है दो घंटे में 100 क्वेश्चन, मैं बोल रही हूं नेगेटिव मार्किंग होती है, अब बच्चा मतलब सोचने लगा देगा ना, फिर तो मतलब करो या मत करो नेगेटिव होगा ना, फिर नंबर गई भाई जो सही है एकदम, जो मैंने सही करा है, जो मुझे पता है हां इसका आंसर यही लग रहा है, ये सही है छोड़ कर आ जाए सही हो, जो अभी तक एकदम परफेक्टली वो हमने कर दिया, जो अभी नहीं लग रहा परफेक्टली जो भी हमने कर दिया जो सही है उसके नंबर बढ़ जाएंगे, फिर नंबर क्या मिलता कुछ नहीं मिलता लास्ट, इसलिए तो मेरा क्लियर नहीं होता कभी कभी, तो इसमें तो मान लो हमारा इतना नहीं होता ना। अपर्णा अर्पण शुड एड्रेस द लेटर, अच्छा लेटर का भी है क्या? सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ओपनिंग फॉर द लेटर, लेटर में तुझे ओपनिंग क्या लिखनी है? आई एम राइटिंग दिस लेटर बिकॉज you are Aparna, Aparna resident this Malvi Nagar Delhi, to wish you pursue a course in advanced animation, usko course karna hai from a Reno is one institute se, theek hai, complex part 2 class this, theek hai, to write a letter inquiry, director ko letter likhna hai janne ke liye ki jo animation hai usme jo kitne educated person chahiye, eligibility criteria pe chahiye, क्योंकि हर कोर्स में जो लोग बोलते हैं ना कि मैं 2 महीने छुट्टी होगी, चलो कोर्स 6 क्लास के बच्चे 8 क्लास के बच्चे कोर्स नहीं करने देते हो, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट लगता है, 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट लगता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोसेस ऑफ एडमिशन, तो फीस स्ट्रक्चर एंड अदर नेसेसरी डिटेल्स, ये सारी चीजें चाहिए, तो सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट ओपनिंग फॉर योर लेटर, ठीक है, तो आई एम राइटिंग दिस लेटर बिकॉज आई वॉन्ट टू वॉट, मैं ये लेटर लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग दिस लेटर बिकॉज आई वॉन्ट, इन्होंने बोला है जो ये तू ये लिखेगा लेटर, तो शुरू में कौन सी लाइन लिखेगा? आई एम राइटिंग दिस लेटर बिकॉज आई वॉन्ट टू,
I found out that your institute, this is reference to an advertisement. We wish to inquire from you that nahi. I am writing this letter because I want to know the eligibility criteria from your institute. तुम्हारे इंस्टीट्यूट में कितना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की नहीं है मुझे ही नहीं कोर्स करने के लिए मतलब कितना पढ़ लिखा इंसान चाहिए तुम्हारे ये पूछना है उसे ये सही है उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में थोड़ी ना डाला है ना भाई तो ये दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्ट नहीं ये नहीं आएगा आई हैव फाउंड दैट योर इंस्टीट्यूट नो ये भी नहीं आएगा वो तो इसको जरूरत है ना कोर्स करने की तो ये पूछेगा तो उसमें उसको उसका इसका इंस्टीट्यूट मिल गया थोड़ी ना इसने पूछा है वो तो चाहता है कोर्स करना तो वो लिखेगा आई एम राइटिंग दिस लेटर बिकॉज आई वांट टू नो ये है पहला वाला व्हिच थिंग वुड अर्पण वुड इंक्लूड इन दिस लेटर मतलब ये बोल रहा है व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर सबमिशन एडमिशन का क्या प्रोसीजर है इसमें ठीक है तो विच थिंग वुड अर्पण वुड इंक्लूड इन दिस लेटर व्हाट इज दिस प्रोसीजर फॉर एडमिशन व्हाट इज मतलब वो क्या क्या लिखेगा प्रोसीजर पूछेगा इसको कि मतलब कैसे कैसे एडमिशन हो तुम्हारे इंस्टीट्यूट में ठीक है पहला तो सही है दूसरा व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स बेनिफिट भी पूछेगा करने के बाद मुझे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी ये क्या व्हाट इज द फी स्ट्रक्चर पीछे पूछेगा ना फीस स्ट्रक्चर ऐसा हो ना व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स क्यों नहीं पूछेगा कितने साल का कोर्स है कितने टाइम का कोर्स है ये नहीं पूछेगा मेरे साथ तो चार हुई है यहाँ पे देख लियो यार वो लेटर में सब चीज लिखेगा ना फोन पे थोड़ी ना पूछ रहा है वो कोर्स फ्री है एडवांस करना चाह रहा है ना एडवांस एनिमेशन एडवांस मतलब बेसिक थोड़ी ना कर रहा है देख फी स्ट्रक्चर एंड द नेसेसरी डिटेल पूछ तो रहा है उसमें क्वेश्चन में लिखा है फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रोसेसर ऑफ एडमिशन दूसरी डिटेल जैसे टाइमिंग ये सब चीजें तो व्हाट थिंग वुड अर्पना वुड इंक्लूड इन दिस लेटर तो ये सारी चीजें आएगी सिर्फ कुछ चीज लिखी नहीं है चार गुणों का लिखा है तीन है सर हम ये लगाते हैं व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ जॉइनिंग कोर्स प्रोसीजर से हटा दे लेकिन ये तीनों तो पूछेगा ही क्योंकि इसमें फी भी लिखी है और ड्यूरेशन कोर्स लिखा है ये तीन तो मेन है ही बेनिफिट ऑफ ड्यूरेशन कोर्स ये तीन तो मेन है ही तो ये सी करते हैं ए बी यार दो भी तो है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ जॉइनिंग कोर्स बेनिफिट नहीं पूछेगा वो तो वो करना चाहता है वो खुद करना चाहता है ना अब मैंने एडवांस कर रहा हूँ मुझे बेसिक आता है मैं एडवांस कर रही हूँ क्यों कर रही हूँ मैं कहीं जॉब लेने गई हूँ वहाँ उन्होंने पूछा भाई बताओ ये है ये तुम्हारे कोर्स है सॉरी कि अब किसी ने बोला भाई तुम्हें एडवांस कोर्स करने की ज़रूरत है जब तुम्हें नौकरी मिलेगी तो इसलिए मैंने वो इंस्टीट्यूट में गई इसलिए मैं पूछ रही हूँ एडवांस करो ना बेसिक तो मुझे आता ही है एडवांस करने के लिए तो फिर मैं तो ये उसमें मुझे ये पूछने की जरूरत है ही नहीं बेनिफिट अब तुझे पहले से ही थोड़ा बहुत पहले से ही तुझे बेसिक आता है तो एनिमेशन के बारे में पता है तुझे तुझे ये भी पता होगा एनिमेशन में क्यों करना चाहता हूँ तो वो क्यों बताएंगे तुझे बेनिफिट तो उसके लिए ये सेकंड वाला नहीं होगा बट ये वाला हाँ भाई चार बज गए हैं डू यू फाइंड एनीथिंग सिमिलर बिटवीन ग्लोब एंड दिस पिक्चर ऑफ द अर्थ इन व्हाट वे दे आर डिफरेंट ग्लोब और
जो ये अर्थ की जो ये पिक्चर है इसमें कुछ सिमिलर लगता है, मतलब सेम कुछ ऐसा है ये पूछ गए अर्थ में और ग्लोब में। होमवर्क लिखना है भाई, दिखाई दे वो दिखा, मैंने होमवर्क लिख के दिया ना अभी इसमें, दिखाई दे कल ना कल 2:30 बजे आना, नहीं तो डंडे से तोड़ूंगी तुम्हें। ये तो तुम तो 2:30 बजे आए थे ना, वो 2 बजे आ गए। हाँ और मैं और दे रही हूँ होमवर्क, वो भी कर लेना है। तुझे कार्तिक ने नहीं बताया था ये होमवर्क, और तू लिख के लाएगी विंटर, विंटर नहीं विंटर वेकेशन तो अभी नहीं लिख ले सकती। 1.5 घंटे मैंने पूरी, जब 1 बजे से मैं फोन लगाया हुआ है, 1 बजे से फोन लग रहा है मेरा, इधर चलने दे एक मिनट, चलने दे क्या करूँ यार, आधे घंटे में आ रहे हैं। इसने ना फेसबुक में सारा गलती किया, 1 बजे आ गया ठीक है। मैंने बोला अभी बैठ जा, जैसे तो इन दोनों तुम दोनों को मैं वेट कर रही थी और उसका आने शक का ठीक है। अभी दिवंश होगा, मैंने तो 2:30 बजे बोल दिया था कल ठीक है, क्योंकि उनकी क्लास थी ठीक है, और मैंने कहा ये दोनों आएंगे नहीं आज ठीक है, बाकी इनको मैंने टाइमिंग बता रखी थी। 1 बजे हो ही नहीं आए, हाँ ये आ गए 1 बजे, आपने कहा था 1 बजे आने, तो तू आ गया था ना, तुझे मैंने बोल दिया था। ये तो कोई आया नहीं, अब मुझे लगा तुझे कार्तिक ने बोल दिया होगा क्योंकि मैंने उसको बोला था। अब फिर मैंने कहा बैठ रहे 15-20 मिनट ये बैठ के चला गया, वही ये गया उसके 10 मिनट बाद ऋषभ आ गया, और मैंने इसको यूँ बोला था 2:30 बजे आ रहे, इसने जाके बोल दिया खुशी को जाके तुम 2 बजे चले जा, 2 बजे जा रहे ट्यूशन में, वो 2 बजे मैंने कहा 2 बजे, मैंने तो वो तो कहना कहा था 2 बजे जाएंगे, मैंने कहा था 2:30 पे जाने, वो तो मुझसे कह रहा था कि 2 बजे बोला दीदी ने, फिर मैंने बोला आने दो उसको अभी, मैंने तो 2:30 पे कहा था 2:30 पे ट्यूशन जाना, उसी ने कह दिया उसी को, तो वो 2 बजे आ गया, फिर वो 1:30 बजे आ गया, फिर उसको पढ़ाया, मैंने कहा तू क्या जाएगा घर पे, फिर 2 बजे वो आए उसको पढ़ाया, फिर ये 2:30 बजे ये आए, 3:30 बजे तुम आए, फिर मैंने हटाई नहीं, मैंने कहा लगी जाती वीडियो को, अब बैक टू बैक पढ़ा रहे फिर कहाँ टाइम मिलेगा। अब नाउन करके लाना है, वैसे ही जैसे वर्ब करके आए हो ना वैसे नाउन के सेंटेंसेस चाहिए इससे मुझे। अब ना 2:30 बजे जाना है तुम्हें, और इनको तुम बैठ के जाना है, मैंने 2 बजे नहीं कहा था, मैं 2:30 पे कहा था, ये 2 बजे नहीं 2:30 बजे 2:30 यस मैम, मैंने वो कहा था उनसे डफर है वो कदम सारा वो भी काट दिया मेरा आज का, आधे घंटे में सारा मैंने बोला 2 बजे तो मैं नहीं आ सकता पहले, अरे तुमने 1 बजे बोला तो तुम 1:30 बजे क्यों आ रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, वो 1:30 बजे आया ऋषभ क्या धूप में चला गया, घर पे से करके लाइयो, इधर आके बैठ तू, जल्दी पैकअप कर, ये वाला चैप्टर बनाना है मुझे, है मैंने करवाया था मन वाला, मैंने करवाया नहीं तुझे मन वाला आया था, मैंने मन वाला चैप्टर करवा लिया तुझे, मैंने करवाया नहीं मन वाला, सेल्फ सेल्फ कराया तूने, पढ़ा है चैप्टर है, जब तक मैं इसे डिस्कस कर रही तूने पढ़ा है चैप्टर, पढ़ इसको बैठ के आराम से, समझ में आ गई। हाँ तो व्हाट शुड अर्पण इनक्लोज विद द लेटर ऑफ इनक्वायरी, अब ये इसको बंद कैसे करेगा, अ चेक ऑफ फीस नहीं, फीस के टाइम लेके थोड़ा ना, क्लास ऑफ 12th मार्कशीट, सेल्फ एड्रेस एनवेलप, अ सेल्फ टेस्ट इज फोटोग्राफ नहीं, ये फोटोग्राफ होना देगा वो एड्रेस इन एनवेलप, एंड एनवेलप में डाल के तो देगा ना एड्रेस के, अपने एड्रेस के एनवेलप में,
सो व्हाट वुड बी एप्रोप्रिएट कंक्लूजन फॉर दिस लेटर. अब क्या कंक्लूजन भी पूछा है इन्होंने, देखिए पूरे लेटर का क्या निष्कर्ष निकला. कंक्लूजन इज दिस, मतलब तुम्हें पूरे लेटर से क्या समझ में आता है. वुड बी ग्रेटफुल फॉर योर रिस्पॉन्स, लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पीडी रिस्पॉन्स, काइंडली लुक इन टू द मैटर, प्लीज डू द नीडफुल. I would be grateful for your response. Conclusion कौन देगा? वो लोग देंगे ना, company वाले. I would be grateful for your response. Looking forward to speedy response. वो speedy response की जल्दी से वो उसको response दे दे. बता दे जल्दी से, है ना? स्पीडी रिस्पॉन्स के लिए जल्दी से तुम उनको वापस रिटर्न में बता दो इंक्वायरी. शुड लेटर टू द शुड एड्रेस द लेटर टू डायरेक्टर. व्हाट शुड बी सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, ये बात. Seeking information about advanced admission, animation course, application for advanced. नहीं ये नहीं, ये तो बच्चों वाली चीज़ होगी. No, ये भी. Seeking मतलब मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है, ये subject में लिखेंगे, क्योंकि subject से हमें पूरा letter समझना है, subject पढ़ने से. What would be correct method of writing receiver's address? ब्लैंक अपोजिट क्या लिखो इन फर्स्ट ऑप्शन आर गिविंग ब्लो. क्या बोल रही है ऑप्शन ऑफ गिविंग ब्लो, ये क्या फर्स्ट. अच्छा ये प्लेन का ब्लैंक है. मणिपुर संघाई फेस्टिवल किस चीज का है, ये है फेस्टिवल ना रे, इसमें वो ये भी दे रखा है, इसमें क्या बोलते हैं तो ऑप्शन है ना कि इसमें वर्ब भरनी है, आर्टिकल भरने हैं, एडवर्ब भरनी है. The Manipur Sanghai Festival is one of the dash vibrant festival. One of the vibrant festival. The one. In celebrated in Manipur, this festival started in the month of November. B. C. दिस फेस्टिवल मतलब ये बोल रहे हैं जो मणिपुर में जो संघाई फेस्टिवल बनाते हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग, ठीक है. अब इन्होंने वाज तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता ना. द फेस्टिवल वाज इन मंथ ऑफ नवंबर, वाज स्टार्टेड हर साल के नवंबर में ही आता है, नवंबर में स्टार्ट हुआ था. डैश डर्निंग द ईयर 2000 कब स्टार्ट हुआ था, फ्रॉम द ईयर 2010. It has been happening every year since then. तब से ये हमेशा this festival celebrates the art and culture of the state. Shanghai cooperation वो है एक Shanghai festival बना दिया मणिपुर में. China है क्या वो, पढ़ता क्यों नहीं है, read भी नहीं करता है, read करना आता तुझे. Unjumbled word सही है करके लिखना चाहिए, ये इसमें अनजंबल के लिखा जंबल होते हैं वो.
चंबल होते हैं। ये भी तो हंसी वाली बात है, ये भी तो पूछिए तो टीचर जी अंजंबल क्या है। हाय हाउ आर सी बीन स्टडी फॉर वी, इन्होंने से बताना है। वी बीन नहीं आएगा, हैव के साथ बीन होता है। वी हैव बीन स्टडिंग फॉर थ्री हावर्स, तीन घंटे से हम लगातार। Vinorsi always eats sandwich for lunch. हमेशा वो लंच में क्या खाती है? मेरे को ना ऐसी चीज़ करने में मज़ा आता है जिसके आंसर नहीं होते, है ना? ये प्रिडिक्ट करने में कि सही है या? That he always knows. पढ़ने में तो परफेक्टली यही लग रहा है। हमारा कोई स्पेसिफिक बुक से थोड़ा ना आता है, तो Genghis Khan had already fashioned a rapid courier system. क्योंकि वो courier system में काफी ज़्यादा वो था, fashion मतलब डूबा हुआ था। Fashion का मतलब ये नहीं कि fashion कर रहा है, मतलब fashion का मतलब basically पता है क्या होता है? Meaning के ना तुम word के ना तुम वो समझा करो accurate meaning। देखो fashion मतलब trending में जो चल रहा है उसमें। फैशन मतलब ये नहीं तो तुम मेकअप कर रही हो वो जैसे ड्रेस पहनो, नहीं। फैशन मतलब कुछ भी बुक भी हो सकती है जो उस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहा है, दैट इज द फैशन वर्ड फॉर द ट्रेंडिंग बोल सकते हैं। फैशन तो उस टाइम जो सिस्टम चल रहा था ना उसमें वो बहुत ज्यादा डूबा हुआ था। दैट कनेक्टेड द डिस्टेंट एरिया, और वो इस उस एरिया से कनेक्टेड था ऑफिस बेस में, जो उनके रिजवी जो उसके लोगों से रिलेटेड था। ठीक है, फ्रेश माउंट एंड डिस्पैच राइडर्स, ठीक है, वो क्या करता था जो फ्रेश माउंट्स होते थे और उनको डिस्पैच कर देता था राइडर्स में। राइडर्स को क्या करता था, डिस्पैच करना मतलब भेज देता था, डिस्पैच करना मतलब भेज देना। वेयर प्लेस इन आउटपोस्ट एट अपनी वहाँ पे उस जगह पे जहाँ पे आउटपोस्ट एट रेगुलरली स्पेस डिस्टेंसेस, वहाँ पे हमेशा डिस्टेंस में रहते हैं फॉर द मेंटेनेंस के लिए फॉर दिस कम्युनिकेशन सिस्टम। वहाँ का जो कम्युनिकेशन सिस्टम था ना मंगोल का, मंगोल नोमैड्स का, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम था। कंट्रीब्यूट अ टेंथ ऑफ देयर हेयर्स, वो अपने दस वो किसको कंट्रीब्यूट करता था, अपने हेयर्स को, जिनको वो चलाता था ना वो उनको देता था, उनने उसको कंट्रीब्यूट किया आइदर हॉर्सेज और लाइव स्टॉक। हॉर्स जो होते थे ना उनको देता था वो,
और जो लाइव स्टॉक जो उसने और जो चीजें पाली हुई थी और जानवर जो पाले हुए थे वो एग्जैक्टली उन्होंने बोला नहीं है एज प्रोविजन. तो दिस वॉज कॉल्ड द क्यूब क्यूब फूड टैक्स. इसको क्या कहा गया है? A levy that the nomads paid willingly. और जो levy होता था ना वो nomads राजीली मतलब खुशी से उसको pay कर देते थे for the multiple benefit, काफी benefits के साथ, ठीक है, that it bought, जो उनको मिलता था. The courier system was further refined after Genghis Khan. जो courier system था वो refined किया गया है किसके बाद? Genghis Khan की death के बाद. And its speed and relatively surprised travelers. और जो reliability, जो reliability मतलब जो जो travelers थे ना उसके वो reliable थे उस पे, reliable मतलब उस पे निर्धारित थे travelers. It enabled the Great Khan to keep a check on development. और वो इस चीज के लिए enable थे जो जो ग्रेट खान था ना वो कीप वो चेक कर सके किसको? डेवलपमेंट को, कि डेवलपमेंट हो रही है या फिर नहीं हो रही. एट द फादरेस्ट एंड ऑफ देयर विजमी, कि जो उसके जगह अब जैसे वो उसका ये एरिया है, अब वो जहाँ पे उसका जहाँ पे वो ये पूरा एरिया उसका, अब जहाँ पे इस टाइम वो है और उसका एरिया तो बहुत बड़ा होता है, अब वो जो जहाँ पे वो एंड है बहुत दूर जहाँ पे एंड है वहाँ पे तो डेवलपमेंट हो ही नहीं है. तो वो ये चीजें देखता था, मतलब वो अपने एरिया की जो दूर का हिस्सा होता था ना उसकी डेवलपमेंट भी चाहता था. तो ये उसकी डेवलपमेंट के लिए ही ये सब चीजें करता था. तो अक्रॉस द कॉन्टिनेंटल लैंडमार्क, क्योंकि वो तो काफी दूर है ना एरिया. द कॉन्क्योर पीपल हाउएवर हार्डली फेल अ सेंस ऑफ एफिनिटी with their new nomadic minis masters. जो जो लोग थे ना जो conquer किए हुए थे उसने लोग अपने अंडर में लिए हुए थे लोग, however hardly felt, वो काफी ज्यादा फील करते थे सेंस ऑफ अफिनिटी उनकी सेंस को विद देयर न्यू नोमैडिक जो उनके नई नोमैडिक नोमैड मास्टर्स होते थे. काम करते बिल्कुल नहीं से रीड ही नहीं करता है, बिल्कुल रीडिंग करना नहीं होती है बिल्कुल भी. मास्टर्स नोमैडिक के जो अब नोमैडिक जो लोग होते हैं उनका मास्टर तो होगा ही होगा, थोड़ी ना कि बस वो लोग ही होते हैं, हर किसी में उनका हेड होता ही होता है. तो उनका नया नोमैडिक मास्टर बना था, ठीक है, डर्निंग द कंपेनिंग. तो फिर जब वो उनकी कंपेनिंग कर रहे थे जब नोमैडिक नया नोमैडिक जो उनका मास्टर बना था उस समय, उससे पहले जब वो कंपेनिंग कर रहे थे नए नए मिनिस्टर नए मास्टर के लिए, तो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 13th सेंचुरी, तब 13th सेंचुरी के पहले हाफ में ही सिटी वे डिस्ट्रॉय, उस टाइम सिटी को कब कर दिया था उन्होंने? डिस्ट्रॉय एग्रीकल्चर लैंड सबको, ठीक है, अब वो हो गई थी वेस्ट. तो ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट, जो ट्रेड और जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन होता था ना, ट्रेड उस टाइम करते थे व्यापार और जो हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से चीजें बनाते थे, तो वो जो प्रोडक्शन होने लगा उसका प्रोड्यूस होने लगा काफी डिस्ट्रप्ट हुआ, काफी नुकसान हुआ उसको, ठीक है. तो अब 10,000 ऑफ पीपल, जो 10,000 जो लोग थे, द एग्जैक्ट फिगर आर लॉस्ट इन एग्जर्टेड रिपोर्ट टाइम रिपोर्ट ऑफ द टाइम. तो वो जो एग्जैक्ट फिगर थी आर लॉस्ट, वो क्या हुए? लॉस्ट हो गए इन द एग्जर्टेड रिपोर्ट में टाइम की. तो वे किल, फिर उनको मार दिया गया. इवन मोर इन सेल, और काफी सारे स्लेव्स नहीं होते थे उनको भी मार दिया गया. ऑल क्लासेस ऑफ पीपल, जितने भी क्लासेस लोग थे क्लासेस के, फ्रॉम द एलिट्स एलिट्स क्लास के जितने भी लोग थे, टू द पीजेट्री सफर, जो पीजेट्री लोग होते थे उनको सफर करना पड़ा, ठीक है. इन द रिजल्टिंग इंस्टेबिलिटी, और रिजल्ट में क्या आया? इंस्टेबिलिटी, ठीक है, मतलब स्टेबल ही नहीं आया, स्टेबिलिटी नहीं आई, इंस्टेबिलिटी आई है.
द अंडरग्राउंड कैंडल्स, और कैंडल्स कहाँ थी? नीचे कॉल्ड कंताज, उनको क्या कहते थे? कंताज. इन द अरिड ईरानियन, जो अरिड ईरानियन लोग होते थे ना, अरिड मतलब कि सूखा हुआ एरिया जो डेवलप नहीं है, वहां पे जो ईरान के लोग रहते थे प्लेट्यू में, कुड नो लॉन्गर रिसीव पीरियोडिक मेंटेनेंस. वो काफी लंबे समय तक उनको पीरियोडिक मेंटेनेंस मिली ही नहीं, ठीक है. एज दे फेल इनटू डिसरिपेयर, डिसरिपेयर, और वो कैसे गिर गए? जैसे गायब हो गए, ठीक है. तो डिजर्ट क्रैप्ट इन, और डिजर्ट कैसे हो गया? क्रैप्ट हो गया. तो दिस लीड टू वन इकोलॉजिकल डेवेस्टेशन, और फिर वो किस साइड गया? इकोलॉजिकल डेवेस्टेशन की साइड गया. फ्रॉम विच पार्ट ऑफ कुराशन नेवर रिकवर, जहां से जो कुराशन का जो पार्ट था वो कभी रिकवर ही नहीं हुआ. वंस द डस्ट, जब एक बार डस्ट थी, जो डस्ट फ्रॉम द कंपेनिंग हैड सेटल्ड, जब एक बार जो डस्ट थी वो कंपेनिंग से सेटल्ड हो गई, तो यूरोप एंड चाइना वेयर टेरिटरी लिंक, तो यूरोप और चाइना क्या थे? लिंक थे. इन द पीस, पीस में तो यूजर्ड इन बाय मंगोल कॉन्क्विस्ट, जो यूजर्स थे ना मंगोल कॉन्क्विस्ट के, ट्रेड कनेक्शन मैच्योर, उनका ट्रेड कनेक्शन काफी मैच्योर हो गया. कॉमर्स एंड ट्रैवलर्स, कॉमर्स एंड ट्रैवल अलोंग द सिल्क रूट, तो वो कहाँ से जाते थे? सिल्क रूट से जाते थे. पहले सिल्क रूट ही था, देख सिल्क रूट चाइना से, चाइना सिल्क रूट ही चलता था, पहले सिल्क रूट से ही जाते थे व्यापारी, ठीक है. तो उन्होंने उस ट्रैवल की वहां पे, कॉमर्स एंड ट्रैवल अलोंग द सिल्क रूट रीच इट्स पीक, और वो कहां पहुंच गए? अपनी पीक पे, मतलब उस चोटी पे, अंडर द मंगोल्स, किसके अंडर में? बट लेकिन अनलाइक बिफोर, जब तक उससे पहले ट्रेड रूट डिड नॉट टर्मिनेट इन चाइना, जब तक ट्रेड रूट ने चाइना को टर्मिनेट नहीं, खत्म नहीं कर दिया, तो दे कंटिन्यू नॉर्थ इनटू मंगोलिया, तो वे कहाँ तक आते रहे? एंड टू काराकोरम तक. काराकोरम इज इट, यार काराकोरम जम्मू कश्मीर में हमारे इंडिया में, तो हाँ वो भी है, वो बस काराकोरम, द हार्ट ऑफ न्यू एम्पायर, जो उसका नया एम्पायर था, द हार्ट ऑफ द न्यू एम्पायर. कम्युनिकेशन एंड इजी ऑफ ट्रैवलर, तो जो उन्होंने कम्युनिकेशन करते थे, एंड इजी ऑफ ट्रैवलर वाज विटल टू रिटेन, जो इजी ऑफ ट्रैवल था वो उनके लिए काफी ज्यादा विटल हो गया, मतलब विटल मतलब मेन हो गया. रिटेन द कोहेरेंस ऑफ द मंगोल रिजवी एंड ट्रैवलर्स वेयर गिवन अ पास, तो ट्रैवलर्स जब जाते थे वो सेफ कंडक्ट, अपनी सेफ के लिए, तो ट्रेडर्स पेड द बाज, तो ट्रेडर्स क्या पेड करते थे उनको? बाज टैक्स, देख ले बाज टैक्स पे करते थे, फॉर द सेम पर्पस, सेम ही चीजों के लिए. तो ऑल अक्नॉलेजिंग देयर बाय, तो जितनी भी अक्नॉलेजिंग चीजें होती थी उनके द्वारा, द अथॉरिटी ऑफ द मंगोल खान, जो अथॉरिटी होती थी ना मंगोल खान की, द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रडिक्शन पढ़ा था बिटवीन द नोमैडिक, जो कॉन्ट्रडिक्शन होता था किसके बीच में? नोमैडिक एंड सीडेंट्री एलिमेंट्स के बीच में जो कॉन्ट्रैक्शन होता था विद इन द मंगोल, मंगोल के बीच में एम्पायर इजी थ्रो द 13th सेंचुरी, तो जो एम्पायर थे वो किसके द्वारा जाते थे? जो मंगोल एम्पायर थे इजी थ्रो द 13th सेंचुरी, वो उनके लिए 13th सेंचुरी इतना आसान लगने लगा उनको इन 1230s में. कब? ये 1230s में 13th सेंचुरी कहां से आ गई? अच्छा सेंचुरी पहले शुरू हो जाती है,
जैसे 21वीं सदी लेकिन 24वीं रहा है ना. फॉर एग्जांपल एज द मंगोल वेज्ड देयर सक्सेसफुल वार, तो मंगोल्स ने जो अपना सक्सेसफुल वार है किसके खिलाफ लड़ा था, चीन डायनेस्टीज के खिलाफ, ठीक है, इन नॉर्थ चाइना में. डायनेस्टी बताई थी ना रिसेंट, चीन थी, पता नहीं कौन कौन सी थे जिनसे नाम थे. देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग प्रेशर, उनके ऊपर बहुत प्रेशर था. तो ग्रुप विद इन द मंगोल लीडरशिप, मंगोल लीडरशिप के अंदर ही, तो दैट एडवोकेटेड द मस्करे ऑफ ऑल पीजेंट्री. उन्होंने किसको एडवोकेट किया था, मस्करे ऑफ ऑल पीजेंट्री, जितनी भी पीजेंट्री थे ना उनके, एंड द कन्वर्जन ऑफ देयर फील्ड, और अपनी फील्ड को किसमें कन्वर्जन कर दिया, इनटू पैस्चर लैंड में, एक लैंड बना दी, खुला मैदान, ठीक है. बट बाय द 1270s, फिर जब 1270 पे क्या हुआ, व्हेन साउथ चाइना वाज एनेक्स्ड, जब साउथ चाइना उनके अंडर में आया, उन्होंने साउथ चाइना पे अपना वो चला लिया कि ये हमारे अंडर में है, टू द मंगोल एम्पायर आफ्टर द डिफीट ऑफ द संग डायनेस्टी, जब उन्होंने संग डायनेस्टी को हराया था, तो गेंगिस खान ग्रैंडसन, तो गेंगिस खान का क्या था, पोता, तो क्यूबिलाई, जो क्यूबिलाई था, क्यूबिलाई खान था, अपीयर एज प्रोटेक्टर ऑफ द पीजेंट्स, तो वो कैसे दिखने लगा, प्रोटेक्टर ऑफ द, ठीक है, एंड द सिटीज, सिटीज का, ठीक है. इन द 1290s में क्या हुआ, मंगोल रूलर ऑफ ईरान, जो मंगोल रूलर था ईरान का, गजान खान, मंगोल रूलर कहाँ का था, ईरान का, गजा खान, अ डिसेंट ऑफ गेंगिस खान यंगेस्ट सन, और वो किसका डिसेंट था, डिसेंट मतलब उसके बाद गेंगिस खान का यंगेस्ट सन कौन था, तोलोई, डिसेंट वो किसका था, गजा खान का डिसेंट था, गेंगिस खान का यंगर बेटा गजा खान का डिसेंट था. तो वार्न, उसने वार्न कर दिया था फैमिली मेंबर को, वार्निंग कर दिया था, एंड अदर जर्नल, और जो दूसरे जर्नल होते थे ना उनको क्या किया उन्होंने, अवॉइड. तो प्लानिंग द पीजेंट्री, इट डिड नॉट लीड टू स्टेबल प्रोस्पेरस रियलम, उन्होंने लीड नहीं किया स्टेबल प्रोस्पेरस को. ही एडवाइज इन स्पीच, उन्होंने एडवाइस दी इन स्पीच, हुज स्पीच में, हुज सीडेंट्री ओवरटर्न, जो उनकी सीडेंट्री थी वो ओवरटर्न करे, वुड हैव मेड गेंगिस खान शडर, और उन्होंने उनको गेंगिस खान को क्या करना था, शडर. गजा खान स्पीच मेरी एक्टिविटी, व्हाई वाज देयर अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन पैस्टोरलिस्ट एंड पीजेंट्स, तो व्हाट गेंगिस खान हैव एक्सप्रेस सेंटीमेंट ऑफ द नेचर इन अ स्पीच ऑफ हिज नोमैड कमांडर. चलो इसको पढ़ के देखो, ये स्पीच पढ़ो, इसकी स्पीच क्या बोले, फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी ग्लोब एंड मैप. आर अर्थ इज मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, दिस इज ओनली प्लैनेट, ठीक है, मतलब अर्थ इज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, सिर्फ एक यही प्लैनेट है. अर्थ कंप्राइज लार्ज लैंडमास, इस पे बहुत बड़ा क्या है, लैंडमास, लैंडमास बोले तो जमीन, कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट, जिसे क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट, एंड द लार्जर वाटर बॉडी नोन एज ओशन, और बहुत सारे बड़े बड़े वाटर बॉडीज हैं, पानी है, जिसे कहते हैं ओशन. तो देयर पोजिशन कैन बी लोकेटेड ऑन अर्थ, इनकी जो पोजिशन है अर्थ पे विद द हेल्प ऑफ द ग्लोब एंड मैप के द्वारा हम देख सकते हैं. ग्लोब्स एंड मैप्स, यू नो दैट आवर अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप, जो इनकी अर्थ है वो कैसी है, स्पेरिकल है शेप में, टूवर्ड्स द पोल, जो पोल्स है इट इज स्लाइटली फ्लैटर्ड, वो हल्के से क्या है, दबे हुए हैं. बट द रियलिस्टिक व्यू ऑफ आवर अर्थ, जो इनका अर्थ का व्यू है रियल में, कुड बी व्यू ओनली थ्रू द ग्लोब, वो कहां से दिख सकता है, सिर्फ ग्लोब से, मतलब ग्लोब से ही देख सकते हैं, ठीक है. तो ग्लोब, सॉरी द ग्लोब इज स्मॉल, छोटा है ग्लोब, एंड ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ,
और वो मॉडल ऑफ द अर्थ है. तो इट इज थ्री डायमेंशनल मॉडल. यहाँ पे थ्री डायमेंशनल मॉडल है. इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव, जो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है. ग्लोब गिव अस डिटेल. ग्लोब हमें क्या देता है? डिटेल एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ. किसके बारे में? उसकी शेप के बारे में, अर्थ की शेप के बारे में. ठीक है, तो बोथ द पोल, जितने भी जो दोनों पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों जो पोल है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है, दोनों पोल जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, ओशन कॉन्टिनेंट आर शोन ऑन इट. तो उस पर ओशन और कॉन्टिनेंट सब होते हैं, अर्थ के ऊपर सब होते हैं ना. तो इट प्रोवाइड मोर क्लियर, ये हमें साफ साफ दिखते हैं पिक्चर में हमारी अर्थ पे, अगर हम इसमें देखें तो. ठीक है, तो दस इट कैन गिव अ मोर क्लियर आइडिया अबाउट आवर प्लैनेट. और ये हमारे लिए साफ साफ हमारे प्लैनेट को साफ साफ आइडिया देते हैं. तो स्मॉल ग्लोब इजी टू हैंडल. छोटा ग्लोब को हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं, छोटे से ग्लोब को. बट इट गिव्स वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो हमें कम इन्फॉर्मेशन देगा, फिर उसमें छोटे छोटे लिखा होगा. ठीक है, बिग ग्लोब इज डिफिकल्ट टू हैंडल. अब बड़े ग्लोब को तो ले जाना मुश्किल होगा ना कहीं पे. तो इट ऑक्यूपाई लॉट ऑफ स्पेस एंड कैन नॉट बी कैरीड एवरीवेयर. और उसको ले जाना मुश्किल होगा और वो बहुत ज्यादा जगह घेरेगा और उसको. ठीक है, तो इट कैन नॉट शो डिटेल इन्फॉर्मेशन. मैप कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. लेकिन मैप पे हम सारी चीजें आसानी से देख सकते हैं. ठीक है, इसमें नहीं देख पाते हैं. ये मैप है और ये ग्लोब है, दोनों देते हैं इन्फॉर्मेशन सेम है, लेकिन इसको ले जाना मुश्किल होता है, इसको ले जाना मुश्किल नहीं होता. इस पे हमें चीजें मुश्किल से दिखती है, इस पे आसानी से दिख जाती है. मैप आर इजी टू हैंडल. मैप को हैंडल करना आसान है, कहीं पे भी उठा के ले जाते हैं मैप को. द डिटेल आर शोन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट सिंबल वर्ड्स लाइन एंड कलर्स. अब मैप पे तो जो चीजें होती है कैसे भी लिख सकते हैं, कलर में भी लिख सकते हैं, सिंबल्स में भी लिख सकते हैं, लाइन में भी लिख सकते हैं, वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ये इसको हमें जानना बहुत मुश्किल है, दैट हाउ मच इन्फॉर्मेशन अ मैप कैन कंटेन. मतलब मैप कितनी इन्फॉर्मेशन लेता है. आप डिटेल मैप इज नॉट लेस, डिटेल मैप कम नहीं है देन वॉल्यूमिनस बुक से, काफी बड़ी बुक से. तो वी कैन ड्रॉ डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स. हम अलग अलग तरह के मैप ड्रॉ कर सकते हैं. शोइंग द होल अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस. हम पूरी अर्थ को एक फ्लैट सरफेस पे दिखा सकते हैं. इट कैन बी फोल्डेड एंड इवन प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ बुक. उसको हम फोल्ड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं बुक में. तो वी कैन हैव अ मैप शोइंग कॉन्टिनेंट, तो कंट्री, स्टेट और इवन योर सिटी और विलेज. वी कैन प्लॉट अ लार्ज वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इट. द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज नोन एज कार्टोग्राफी. जो साइंस ऑफ मैप है वो क्या है, वो किस नाम से जाना जाता है? कार्टोग्राफी के नाम से जाना जाता है. तो अ मैप कैन शो वेरियस फीचर्स. मैप में काफी तरह के फीचर्स होते हैं. ठीक है, जैसे क्रॉप्स, मिनरल्स, इंडस्ट्री एंड इवन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मैप कैन बी डिफरेंट साइज, ये सारी चीजें होती है. वॉल मैप आर वेरी ह्यूज. वॉल मैप बहुत बड़ा होता ही नहीं होता. विच आर यूज फॉर डिस्प्ले, और वो हमें क्या दिखाता है? डिस्प्ले. वी कैन बाइंड द मैप इन द फॉर्म ऑफ बुक कॉल्ड एटलस. तो हम मैप को किस में बाइंड करते हैं? बुक में. बुक में होते हैं ना मैप. एटलस कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स. एटलस में काफी तरह के मैप होते हैं, पॉलिटिकल, फिजिकल, थीमैटिक मैप्स. तो विच शो डिफरेंट कंट्रीज. जो पॉलिटिकल होते हैं वो हमें अलग अलग कंट्रीज दिखाते हैं, स्टेट दिखाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन दिखाते हैं, सिटी दिखाते हैं, टाउन दिखाते हैं, विलेज दिखाते हैं कंट्री में. जो फिजिकल मैप होते हैं, विच शो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स, वो हमें अलग अलग फिजिकल फीचर्स दिखाते हैं. ठीक है, जैसे माउंटेन, रिवर, प्लेन, प्लेट्यू एंड अदर फीचर्स, ये सारी चीजें दिखाते हैं. थीमेटिक मैप्स होते हैं, विच शो डिटेल ऑफ सर्टन थीम्स, जैसे रेनफॉल, फॉरेस्ट, सॉइल, वेदर, राउंड एंड क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन, वो ये सारी चीजें दिखाते हैं. मैप ऑल्सो हैव सम लिमिटेशन. मैप्स में कुछ लिमिटेशन होती है. द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कर्व,
जो सरफेस ऑफ द अर्थ है वो कर्व होता है मैप में, कहीं से मैप कैसा होता है, कहीं किसी का मैप इंडिया का मैप कैसा होता है, इन सारी चीजों कर्व द कर्व सरफेस कैन नॉट बी शोन एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट सरफेस लाइक पेपर. तो वी यूज अ वैरायटी ऑफ सिंबल्स और साइन ऑन अ मैप. तो दीज आर कॉल्ड अ कन्वेंशनल सिंबल्स और साइन. तो दीज आर यूज टू शो वेरियस फीचर्स. द डायरेक्शन ऑन मैप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ.
पटनागर की शादी हुई ना, उसने ना 80 करोड़ जो अमेजोन वाले ने ना 80 करोड़ में अपनी फुटेज बेची है उसने, 80 करोड़ शादी की फुट शादी में उसके कैमरे का फोटो अलाउड ही नहीं था, अपनी फोटो उन्होंने जो बेची है ना 80 करोड़ में बेची, 80 करोड़ शादी शादी का पैसा ही गया जो हमारा मुंबई में वो कौन सा बीच है, जू बीच पे एक शिप खड़ा हुआ है अभी भी, उस शिप की स्टोरी थी, रियल स्टोरी उस शिप की। अरे बिग बॉस में नहीं आया था ये बताना था, मेरी एक मूवी आ रही भूत करके कुछ, वो उसने बताया था उस, ये विक्की कौशल आया था बिग बॉस, बिग बॉस में जब शहनाजो सिद्धार्थ था उस, हाँ तब आया था ये, तब जब जब वो माहिरा शर्मा नहीं निकली थी, तब मैंने तो नहीं देखा था पहले वाला, पहले वाला तो नहीं देखा, एंड में देखा था उसको, हाँ जब मायरा शर्मा निकली थी ना इसी ने निकाला था उस मायरा शर्मा को, तब इसने बताया था कि जो वो था ना विक्की कौशल ने तब बताया था उसमें कि जो वो था ना ये मूवी के बारे में कि वो मूवी किस बेस पे बनी हुई है, तो उसने बताया था कि जो वो शिप है ना वहाँ पे अभी भी खड़ा है वो शिप, तो उस शिप में कुछ ऐसी घटना घटी थी पुराने पुराने डेंजर डेंजर भूत वाली वो देखने के जैसे शिप में वो होता ना अंडरग्राउंड जाते थे चेंज कर लेते हैं वो शिप में वो नेवी की वो होती है टीम पूरी वो, तो उनके ऊपर बनी थी मूवी कि वो शिप वहाँ पे यहाँ पे घुस गया था, तो फिर वो कहा था मैं देखूँगी वो मूवी, रियल स्टोरीज देखनी चाहिए, तब मुझे पता चला था कि वो रियल स्टोरी थी, वो रियल स्टोरी बेस्ड मूवी थी, तो वो मूवी देखूँगी मैं रियल स्टोरी मूवी सच्ची सच्ची कहानी, जू जू बीच पे शिप पे कौन सा शिप है कहने अभी भी खड़ा हुआ है और उसको वो दिखाते हैं है ना फोटो वोटो और वो उसके है ना वो सारी चीज़ें देखूंगी मैं मूवी की, ये रियल स्टोरीज देखने में मज़ा आता है ना, जो वो भी रिलेटेड टू दिस भूत एंड ऑल मूवी होती है वो बेकार लगती है मुझे, मनोरंजन मनोरंजन के लिए आधारित कहते हैं क्या क्या बोलते हैं धारावाहिक, धारावाहिक जो हमारा जो वो होता है ना साइन बोर्ड वो साइन ही तभी करता है हमारी मूवीज को, वो पहले पढ़ता है देखता है मूवी कि पब्लिक दिखाने लायक है या नहीं है, अगर दिखाने लायक होती है ना नहीं तो फिर रट बच जाते हैं उस पर, वो देखा ना वो मूवी है कि पद्मावती, पद्मावती दी थी फिर पद्मावत क्या था उसे नाम चेंज कितने वो हुआ थे लड़ाई हुई थी, तो वो फिर वो बोर्ड है ना जो वो साइन बोर्ड वो फिर उसको दिक्कत हो जाती है, तो वो भी साइन तभी करता है जब वो जब तुम्हें वो मूवी वो लगती है, अब मैं भी सोच रही हूँ कोई एक स्टोरी लिख के मैं भी देखती मेरी उसकी फिर बनती नहीं बनती रियल रियल स्टोरीज, ये अपनी अपनी स्टोरी लिख के दो ना है ना मूवी बनती नहीं बनती उस पर है ना, अगर हम खुद ही अपनी अपनी स्टोरी अपनी मूवी बनाने लग गए तो बनाते कोई यूट्यूबर तो अपनी छोटी छोटी मूवीज ये ज़्यादा पैसे तो नहीं लगता होगा ऐसे ही,
मैंने अपने माइंड में स्टोरीज है, मैंने कैरेक्टर्स भी ले लिए, तो कैमरा चाहिए होता है, फोन से ही बन जाती है, फोन से बन जाती है, शूट करना है, फाट फाट के शूट कर लो जिसका जो उनका कैरेक्टर है, एडिट करके थोड़ी देर पोस्ट कर दो, थंबनेल लगा के फिर लोगो, लेकिन फिर वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वैसे होने चाहिए, वो फिर वो डायलॉग वाले ही वो है ना, सबके स्क्रिप्ट होती है किसका क्या डायलॉग है, जैसे सपोज मैंने इसको ये डायलॉग दिया, ये नहीं बोल पा रहा, तरीके से नहीं कर पा रहा है, और करेक्टर इसी का ही है, फिर डिफिकल्ट हो जाता है। अब जैसे कैटरीना कैफ देख रही थी, कैटरीना कैफ को इतनी वो तो है नहीं है एक्टिंग में, मतलब ये होता है ना कि भाई उस बंदे के अंदर ये है कि एक्टिंग करनी आनी चाहिए, उसमें कुछ ऐसा नहीं है वैसे, तो नॉर्मली करती जो करती है, कोई ज़्यादा बोलती भी नहीं है, हाँ जैसे वो नहीं है, कोई एक होता है कि दिखाता है, जैसे राकेश सावंत को देख ले, दिखाती कितनी एक्टिंग दिखाती है ना, मतलब वो हमें लगते हैं नेचुरली एक्टर है, भारतीय हो गई दिखाती है ना वो, है ना, तो फिर कैटरीना कैफ का इसमें तो मैं कोई बोलेंगी इतनी बड़ी एक्टर है, जैसे ऐश्वर्या है, ऐश्वर्या को इतना कोई वो तो नहीं है, ये इतनी बड़ी एक्टर है, कोई बहुत ज़्यादा एम ही बस पता नहीं कैसे कोई इतना वो तो है नहीं, इस लाइन में घुसना होगा लेकिन लोग जो हमसे भी गरीब है, सपोज हम तो मिडिल है, सम्मेलन में करते हैं सीधा, मैं तो कह रही हूँ कितना भी अमीर हो, शादी एक दिन की होती है, सम्मेलन में कर दीजिए सबको, है ना, चाहे कितना भी अमीर हो, इंसान वो पैसा बचा के किसी को रोटी खिला दे, है ना, ये शादी में तुमने ऐसा करना क्या है, फोटो से क्या करना था, चल फोटो तो मैंडेटरी होती है ना, शादी की फोटोज तो जरूरी होती है ना, वो तो सिंपल कैमरे से भी है, स्नैप छोटे वाले नॉर्मल शादी में तो उससे खींच के तो मिल जाती है, वो तो क्या नीडेड होती है कि भाई ये इसका पति है, ये इसने मांग भरी, क्योंकि कल को ऐसे केस वेस होते हैं तो उसमें जरूरत मैंडेटरी होती है फोटोज। मैं बोल रही हूँ अभी तक रिसेंटली एक गुजरात के जितने भी होते हैं ना, ज़्यादातर गुजरात में वो रहते हैं रिच लोग, जितने भी व्यापारी गुजरात में रहते हैं, ज़्यादातर लोग ना गुजरात के वो ही करते शादियाँ जैसे ये ऐसे ही होते हैं सम्मेलन में, तो जैसे 21 कर दी, 11 कर दी, तो 21 कर दी, 51 कर दी लड़कियों की शादी, इस तरीके से वो करते हैं उस साल से, है ना, कहीं ऐसा नहीं है कि देख शादी कर नहीं सकते, शादी देख 10 देख इतने से लाख तो कोई भी जोड़ सकता है, मेन बात पता है क्या होती है यार, इमेजिन कर 5 लाख 10 लाख शादी में लगा रहा है, शादी तो उतनी अच्छी करता है, कल को तेरे साथ ऐसे दुर्घटना हो जाए, शादी आफ्टर द मैरिड ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, जितने जो लोगों की शादी होती है आफ्टर द मैरिड दे गॉट डिवोर्स, और इतना पैसा वेस्ट कर दिया तुमने शादी करके, फिर उन्होंने डिवोर्स कर लिया, ये कर लिया वो कर लिया, फिर बेवकूफ है कोई इतना पैसा लगाया, इतना पैसा तो फिर तो मेरे को सबसे बढ़िया लगती है रजिस्टर मैरिज, ठीक है रजिस्टर मैरिज करो, उसके बाद तुम क्या करो अपना जो पैसा जो होता है ना, जो पैसा हम शादी में लगाने वाले हैं, या तो तुम्हारे पास अगर एक्स्ट्रा है तो किसी गरीब को बेचारे को नहीं है, आते लोग बीमारियों से मरते हैं, हॉस्पिटल में नहीं नौ तो खा देंगे हॉस्पिटल वाले, ये लोग हॉस्पिटल वगैरह में नहीं होते हैं, गरीबों को तुम ऐसे लूटो है, और अंदर ही देखा है हमारी मतलब आसपास
इवन तू देखता जा अपने यहाँ चारों तरफ, तू नोटिस कर हम भी मम्मी लोग के साथ ही रहेगी। समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है किसी को, जैसे जैसे अब तो शाहरुख खान वगैरह देख लिए, इतने इतना अमीर है, अमिताभ बच्चन को देख लिया इतना अमीर है, अब उसने शादी भी बहू अपने घर में बहू भी अमीर लाया, गरीब लड़की से कर लेगा, किसी गरीब का इतना पैसा लेके जाएंगे क्या, ये बच्चे तो बर्बाद कर देते हैं पैसा है ना, बच्चे क्या करते हैं। अब वो शाहरुख खान का बेटा देख ले क्या करता, ड्रग्स वगैरह करते हैं ये लोग, सप्लाई तो करते करते हैं, लुटाते पैसा अलग है, फिर ये सब पैसा वेस्ट कर देते हैं बच्चे खराब कर देते हैं, तो इतना पैसा तुम अपने फिर जो बेचारे गरीब से, पता है क्या बच्चों के आगे ना सिचुएशन रखो कि ये नहीं कमा सकते, सो हेल्पर है उसने कोविड में कितने लोगों को हेल्प किया, देख तुम्हारे पास हो अगर वो तो तुम हेल्प कर सकते हो, उनके पास तो है भी वो कर, एक्टिंग में क्या कितना मिलता है उनको, कितनी सी एक्टिंग करेंगे अभी, ऐसे एक्टिंग तो तुम भी करते मैं भी करती ये भी कर दे है, तो जा सकता है फिल्म इसमें जा सकता है किसी और में, नहीं वैसे मैं बता रही हूँ करिए अपना अलग अलग उसमें ढूंढो ना, अब तो ये देखो ये क्या करना पड़ता है, ये चीज़ तो मैं बताती हूँ, मुंबई में जाइयो, मुंबई चल रही कोर्स किया था मेरी जो है ना जानते हो उसका मेरी फ्रेंड है, लेकिन उसने मेरे साथ ही पढ़ती थी वो कॉलेज में, उसने है ना वो इसमें उसमें आई थी वो स्पीच विला में जो एम टी वी का था, हाँ अरे है बड़ी है उसके पापा भाई हुआ, तो उसने तो मुंबई से कोर्स किया था, उसकी एक्टिविटी के कोर्स होते हैं, इन्होंने खोले हुए इंस्टीट्यूट है, इन्होंने एक्ट्रेस ने खुद के अपने इंस्टीट्यूट खोले हुए जी, अपने होटल खोले हुए जी, अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं, एक्टिंग से अलग कमा रहे हैं इनसे तो इतना पैसा खाने के जाएंगे, इनको कि ये डर लगता है कि हमें यह अब ये हो जाएगा, हमें यह अभी ये हो जाएगा, सुनानी बेंद्रे देख ले तू कैंसर में हो गया उसे, इन्होंने तो पैसे पैसा पैसे पैसे तुम बना तो रहे हो किसी को दे दो, एक्टिंग में कुछ ज़्यादा वो नहीं लगता है, तू सोच रहा है एक्टिंग तो कोई भी किसी कर लेता है, फिर टिकटॉक से कितने बंदे फेमस हो गए एक्टर बन गए, रियाज हो गया, जन्नत हो गई, जन्नत रियाज फैजल, मैं तुझे बता रही हूँ यू हैव टू चूज, अगर मैं बता रही हूँ एक अच्छा ज़्यादा पैसा कमा ले, नौकरी नौकरी में कुछ नहीं धरा, अब तो ये देख लेना कितनी जल्दी कितने अमीर बन जाते हैं ये एक्टर्स वगैरह, दो साल में ही होंगे टिकटॉक वाले, तो मैं और क्या कह रही हूँ इसी में मैं बोल रही हूँ एजुकेशन करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई करना ज़रूरी है फॉर द व्हाट, कि हम चीज़ों को एकदम क्लियर देख सकें, ठीक है अब पढ़ाई करने का मतलब ये होता है कि वो गलत है ना तो हम गलत नहीं है, क्योंकि हमें हमारे सामने वाइट पिक्चर है हर चीज़ की, ऐसे में पढ़ाई करने का मतलब ये होता है, पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं होता कि हम ये नौकरी करेंगे ये नौकरी करेंगे, अगर तू स्पेसिफिक इंजीनियरिंग चूज कर रहा है चल तो मैं मानती हूँ फिर नौकरी तो करेगा, अब तो देख लेना इंजीनियर भी यही पढ़ने में एक्टर्स इंजीनियर है, ये देख ले कौशल ये भी तो इंजीनियर है, अब तो वो देख लेना फ्लाइंग बीस्ट IIT खड़गपुर से की हुई है उसने, IIT से IIT का इंजीनियर वहाँ बैठा हुआ है, USA में अमेरिका में काम करते हैं, और ये देख ले इंडिया में कहाँ यूट्यूबर है छोटा सा, और अब तो जॉब भी नहीं करता है पायलट की, अब तो ये लॉ करी है इसने, लॉ करी है इसने, अब लॉ कर रहा है ये, अब तो तू बता दे फिर इसके इंजीनियरिंग करने का क्या फ़ायदा होगा, यूट्यूब से भी नहीं आता नहीं, इसने भी 10-10 फ्लैट खरीदे हैं, मेरे को भी ना कुछ बिजनेस चल रहा है, और इसकी वहाँ पे ये देख ना ये यहाँ पे बहुत बड़ा हुआ है इसका फार्म हाउस, इधर गया तो था ही फार्म हाउस पे सौरभ जोशी को लेके ब्लॉग देखे लो, इसका खुद का फार्म हाउस है बड़ा, खुद के फार्म हाउस में गया था, मैंने कहा यार इनकी लाइफ सही है, ये पढ़ाई करता था मैं तो सोच रही पैसा होता कहाँ से इनके पास, मेरा अभी बेवकूफ़ बैठे हैं यहाँ पे
है ना, आके फोड़े जा रहे पढ़ पढ़ के, कुछ बेनिफिट मिलता नहीं है। वही वो एक वीडियो पे, एक वीडियो पे भाई बन गए रिच, एक वीडियो पे इनके पास है, इनके सामने तो करोड़ ही कुछ नहीं होते, 80 करोड़ फोटो भेजी है ऐसी, ऐसा कौन सा उसमें डायमंड चल रहा है जी, कटना क्या है तो वही लड़की है तो सब कुछ भाई, फिर डायमंड चल रहा है, मैं तो समझ में ही नहीं आता इनका सिस्टम। अब इसने विक्की कौशल से शादी कर ली है और अपनी फोटो अपनी उसमें ना कैमरा लाउड नहीं था, विक्की कौशल से बड़ी इज्जत की है हमारे में, खुद का पर्सनल कैमरा लाउड नहीं था, किसी को फोन में कुछ लाउड नहीं था इसके साथ में, और जो जो इन्होंने अपनी फोटो भेजी है ना 80 करोड़ में, देख लो 80 करोड़ शादी फोटो से ही निकलवा लिया इसने, शादी के पूरे शादी में इतनी पैसा लगाएगा यार, इतनी दूर जाकर कर रही शादी उसमें, वो गांव में वहाँ पे जो जो वाली माता नहीं चीन माता, कौन सी माता थी, चौथ माता गांव में इधर राजस्थान में, उसके पास में छोटा सा जो गांव में जो महल है उसमें कर रही है शादी, चौथ माता का जो चौथ माता जाने का रास्ता है वो बंद करवा दिया, तो फिर केस हो गया था इस पर अभी इन पे दोनों पे, राजस्थान में की है शादी और क्या, चौथ माता मंदिर जाने वाला रास्ता है ना तो उसके बीच में ही एक गाँव, इधर गाँव में इधर एक महल है, पता नहीं कौन सा बारवाना ऐसे करके कुछ नाम है महल का, गाँव का भी यही नाम है, तो गाँव जो चौथ माता जाते हैं ना वो वाला रास्ता बंद करवा दिया, तो लोगों को दिक्कत हो रही थी वहाँ जाने में, तो फिर जो उनके जो एरिया का जो एडवोकेट है ना उसने इस पर शादी तुम कर रहे हो, तुमको वो तो है कौन है, तो इंसान ही है वो तो सबके लिए बराबर है, है? तो ये होती है एजुकेशन, एजुकेशन हम इसलिए करते हैं कि गलत को हम फेस ना कर सके, ऐसा मैं नहीं, अब उसमें एजुकेशन नाम की चीज़ होती तो वो ये सब करवाने देती, तो तू शादी महल के अंदर कर रही है रोड पे कर रही है, है? शादी तो महल के अंदर ही होती है, दुरुस्ता बंद कराने क्या मतलब है तेरा, और तू है तो अंदर ही, वैसे भी सिक्योरिटी तो होती है उसके साथ, फिर रास्ता बंद करा दिया जी, ये भी कोई लॉजिक है मंदिर जाने का, भाई तुमने क्या ऑर्डरी लोगों को तुमने ऐसे समझावा है क्या, और तुम ही मेहनत कर आए हो क्या, और वो बेचारे जो मेहनत कर रहे हैं उनके अपनी कमी तो है, कम पैसे कमा रहे, मेहनत तो उतनी कर रहे जितनी तुम कर रहे हो, ये क्या मेहनत करते हैं, ये क्या माफी लगे चलाते हैं आगे चलाते हैं, तो ये भी नहीं वो है देखा जाए तो, ये लोग ना वैसे पैसा कमाते ही इलीगली पैसा, ये सही है बात है, तो जो ये इलीगली जो ये पैसा कमा रहे हैं मेरे हिसाब से एक्टर भी इलीगल ही होते हैं, अरे तो कभी तुम फोटो भेजे और फोटोज भी कैसी इतनी धुंधली जो अमेज़न वाले को भेजी है इन्होंने, जबकि इन्होंने खुद की फोटो अपने आप डाल दी है उस पर, मेरे को तो लग ही नहीं शादी में उन्होंने एक्टिंग कर रहे हैं, पापा एक्टिंग करती है, तभी फोन नहीं अलाउड किया होगा तभी सभी फोटो खींच लिए सब पोस्ट कर दिए, फिर जो भी तो मैं 3 दिन से सोच रही हूं फोटो नहीं आ रही इनकी फोटो के ऊपर, ये शादी कर भी रहे हैं या फिर एक्टिंग कर रहे हैं या फिर अभी दिखा पैसे में देखेंगे देखो शादी कितने तेज बहुत है, फिर भी तो कहते हैं बेचारे गरीब मार जाता है, और फिर वही है यही तो है अमीर अमीर होते जा रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अब गरीब क्या कर सके, लेकिन तेरे पास एजुकेशन है तो एक्शन ले सकता है ना, अब एंजन वाले के पास दिमाग नहीं है जो उसकी फोटो खरीदने गया है, तो उसमें ये नहीं बोल सकता था वो भाई तेरे अंदर ऐसा है क्या, तेरी फोटो 2 दिन बाद आ जानी है, 15 दिन बाद आ जानी है, 1 महीने बाद आ जानी है, तो खुद ही आ जाएगी पब्लिकली, पता तो चली है ऑलमोस्ट लोगों को,
पता है पहले से 2021 में ही वो इसकी इस पे विकिपीडिया पे ना इसकी वाइफ बताता है इसको विकिपीडिया में थोड़ा झूठ होता है उसमें। तो फिर हमें क्या करना है तेरे को देख के पता जा रहे क्या ये 80 करोड़ की इसकी अमीरों को अमीर करते हैं बेवकूफ वो लोग भी होते हैं जो अमीरों को अमीर करते हैं है ना। तो 80 करोड़ चल तूने ले भी लिए उसने 80 करोड़ ले भी लिए फिर उसने क्या किया 80 करोड़। अरे तो तेरे पैसे तुम अपनी शादी में लगा रहे बेचारे जो अपने जिस गांव में तू गए उस गांव को थोड़ा डेवलप कर दे गाँव में तो है वो जिसकी शादी करनी है उसी को डेवलप कर दे थोड़ा सा शादी किसी गरीब की बिकती है ऐसी फोटो या कोई गरीब ऐसे करता नहीं पहली बार ऑफिसर जो होते हैं ना वो अपनी शादी है ना उसमें करते हैं कल चैप्टर पढ़ाऊंगी ये वाला पूरा सिंपल नहीं कोर्ट मैरिज और किसी जो सिपाही वगैरह होते हैं ना जो मर जाते हैं उनकी बेटियों को और बच्चों को अडॉप्ट करके उनको पालते हैं ऐसे होते हैं इनकी तरफ को ना सिस्सी करो उनको बेचो वहाँ जाकर तो शादियाँ करो और फिर 2 महीने बाद 2 साल बाद डिवोर्स कर दो ये होती है अनएजुकेटेड लोग इन होती ईगो बेवकूफ वो लोग हैं जो इनको फिल्म देते हैं इनको फिल्म मत दो अपना आप ही फिर ये क्या सोचते हैं कि मैं भी कमा रही हूँ लड़का भी कमा रहा है जब मैं ही कमा रही हूँ तो फिर मैं लड़की की सुनूँ फिर क्या करते हैं उसको डिवोर्स देके आराम से बैठ जाती है वो अपना कमाने लगे सोचते हैं मलाइका अरोड़ा को देख ले अभी तो देख ले 2 साल में डिवोर्स हो गए इतनी महंगी शादी तो करते हैं